All right, hello and welcome to the mock paper for all the JEE April 24 aspirants. एकदम रेडी हो जाइए द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट. मैं ये नहीं कहने वाली कि यार बड़े मीठे मीठे सवाल आएंगे, आपको कहीं जगह पे झटके भी लगने वाले हैं, बट मेक श्योर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो कि आप सारे सवालों को जरूर से लगा के जाएं. ओके, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट. उससे पहले एनी यू नो ऑल योर रिविजन रिसोर्स, ऑल योर प्रिपरेशन रिसोर्स एक ही जगह है आपकी tinyurl.com/jeewithnehamam, जो मेरी हर वीडियो का सबसे पहला लिंक है. अच्छा, आप लोग के लिए एक पोल लगाया हुआ है फॉर योर फीडबैक, यार आपको कौन सी सीरीज सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी ताकि आगे मेरे को मदद मिल सके चीज़ें प्लान करने में. ओके, ऑल राइट. सिंपल सा चीज़ हमको पता है फंडा कि यार आपके MCQs रहने वाले हैं, आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं. आई एम गोइंग टू टेक अ टोटल ऑफ 25 क्वेश्चंस, 20 यहाँ, 5 यहाँ पर, ठीक है. बट आपको नॉर्मली पता है सेक्शन बी में इंटरनल चॉइस मिलती है. इन केस आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तब भी अपने अकॉर्डिंगली पेपर को ज़रूर अटेम्प्ट करना. आर वी रेडी? अपने आप अटेंडेंस लगा देना और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बता के जाना कि तुमने कितने मार्क्स इवेंचुअली बनाए, या फिर यू नो क्या क्या थी जो गड़बड़े हो गई होंगी, तो कितने सवाल सही कितने गलत जरूर लेट मी नो. ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट द मैजिक बिगिन. हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सोचो फिर चलो. ऑलराइट, सो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. अब इसको I am going to solve it with two ways. सबसे पहला मैं आपको एक ट्रिक के जरिए सिखा रही हूं. कैसे समझो, यहां पर आपको ट्रिक याद होगा, हमने डिस्कस किया था x को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, राइट. सो इफ आई कैन गिव एनी ऑफ देम, सो मैं x को 0 दे दूं, पाई बाय 2 दे दूं, कुछ भी दे दूं, 30 डिग्रीज दे दूं, 60 दे दूं, बट नॉर्मली हम अपनी गेम इन टर्म्स ऑफ दिस, आपका आपको पता है 0 या पाई बाय 2 में ही चलाते हैं. तो अगर मैंने मान लो 0 लिया, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज ए स्क्वायर ए 1 कॉस 0 आपको 1 दे जाएगा, फिर से ये वाला टर्म भी 1 दे जाएगा, एंड इवन दिस वन, एंड यहाँ पे आपके तीनों 0 हो जाने वाले हैं. तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तो आपको पता है क्योंकि एक रो ही आपने 0 कर दी तो 0 हो जाएगी, बट इंडिपेंडेंट मतलब किस चीज का फर्क मुझे नहीं पड़ा. मुझे यार देखो ए स्क्वायर तो यहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ए स्क्वायर का तो फर्क पड़ेगा, ठीक है. उसी तरह से आई हैव गिवन अ वैल्यू टू एक्स तो एक्स का भी फर्क पड़ेगा, बट वॉट इज नॉट अफेक्टिंग इज सिंपली एन का फर्क मुझे नहीं पड़ रहा यहाँ पे, बिकॉज अब एक्स को कोई भी वैल्यू दोगे एन इवेंचुअली विल नॉट बी अफेक्टिंग. सो आंसर शुड बी ए ऑप्शन, आंसर शुड बी ए ऑप्शन. बट ये तो एक हैक था करने का, इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम करें तो अब मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज, बट इफ आई हैव टू एक्चुअली प्रॉपरली डू इट तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करूँगी, ठीक है. फॉर एक्सपेंशन मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट इन द सेंस मैं इसको ए बुला देने वाली हूँ. जैसे सबसे पहले मैं इसके साथ ले रही हूँ, इसको ए, ठीक है, इस पूरे को बी, and obviously automatically this is b and this is a. yani if I take a square ke sath aa raha hai cos a sin b, theek hai, minus sin a cos b, okay. so I definitely understand ki meri jo pehli term hai that is going to be sin a minus b, correct. and sin a minus b jo hai aapka, if you actually tend to simplify n plus 2 minus of n plus 1, aisa hi ho raha hai na, ye n plus 2 minus of n plus 1 times x jo ki dene wala hai a square sin x. this is only my first term. usi tarah se aap same logic se nikaloge second term, theek hai. i should know the entire proper procedure also, kyunki trick zaruri nahi hai na har case mein chalegi, hai na. अच्छा, सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं बोलूंगी ए टाइम्स, एंड सेम लॉजिक से देखो, मैं इसको ए मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ, फिर इसको ये अपने आप ए हो जाएगा, इसको बी. तो सेम कॉस ए साइन बी माइनस कॉस बी साइन ए, सेम साइन ऑफ ए माइनस बी ही तुम लोगों का बनने वाला है. और वो क्या दे देगा,
एन प्लस टू माइनस एन टाइम्स एक्स, यानी इट इज ए टाइम्स साइन एक्स. क्या ये चीजें मुझे चमक रही है? राइट, साइन बी माइनस ए बोलोगे तब भी एक माइनस साइन आ जाएगा, साइन ए माइनस बी बोलोगे तब भी. तो फाइनली आपका या तो ओवरऑल माइनस आएगा या ओवरऑल प्लस आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली देखना है कि टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट. अच्छा, थर्ड टर्म पे आ जाइए. अब थर्ड टर्म के लिए दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डू इट विद वन. तो यहां पे क्या कर देने वाले हैं, लेट्स हाइड इट. सेम लॉजिक, कॉस ए साइन बी, या इसको ऐसे बोलो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो यहां पर भी मेरे पास क्या आ जाने वाला है, साइन ऑफ एन प्लस वन माइनस एन एक्स, विच इज गोइंग टू गिव मी साइन एक्स. ठीक है, तो क्या बन गया मेरा फाइनल आंसर इसका, ए स्क्वायर साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस साइन एक्स. एक बार चेक करके देखो. सो इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, एन साइन ऑफ टू एक्स. अच्छा, यहाँ टू एक्स होगा. हाँ जी, यहाँ टू एक्स होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. सो आर वी वेरी क्लियर विद दिस बच्चों? हो सकता है किसी पड़ाव पे आपको कोई माइनस मिल रहा हो, कोई प्लस मिल रहा हो, वो चीज आप देख सकते हो. हो सकता है यहाँ पे कईयों का माइनस भी आया हो, दैट इज ओके, दैट इज ओके. बट आइडिया ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट होगा. ठीक है, आइडिया ये है इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा. परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. So I've done it with the trick also and normally also. आपको दोनों प्रोसीजर पता होने चाहिए. ठीक है, चलो. Okay. Now let's have a look at this. If the given system of equations has infinitely many solutions, तो क्या होगा, एक repeated PYQ type आपका pattern है. ये one of the most repeated topic है. एंड ये इजी भी है बिकॉज इट्स अ सिंपल सिस्टम ऑफ योर नॉन होमोजीनियस थिंग. राइट, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, वेन एवर यू हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी के सारे डी आई जो होंगे आपके वो जीरो होंगे. सारे के सारे डी आई होंगे इंक्लूडिंग डी आपके जीरो होंगे. राइट, सो इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे स्मार्टली चलना है कि मेरा अल्फा और बीटा जल्दी से किससे आएगा. सो सबसे पहले तो डी को जीरो कर दो. व्हाट विल दैट गिव मी, अल्फा वन वन, वन टू फोर, ठीक है, वन थ्री फाइव. ओके, लेट्स एक्सपैंड इट टू गेट माय वैल्यू ऑफ अल्फा. सो टेन माइनस ट्वेल्व, ठीक है, माइनस वन के साथ क्या आएगा, फाइव माइनस फोर, एंड विद वन व्हाट एम आई गेटिंग, थ्री माइनस टू. सो दिस इज माइनस टू अल्फा. यहाँ पे देख लो, क्या अल्फा तुम्हारा जीरो ही आ रहा है? एवरीबडी यू गाइस कैन चेक, अल्फा वन वन, वन टू फोर, वन थ्री फाइव, एंड इसको एक्सपैंड किया, दिस इज टेन माइनस ट्वेल्व. ठीक है, माइनस वन के साथ यू आर गेटिंग वन, एंड वन के साथ भी यू आर गेटिंग वन. सो अल्फा इज जीरो. राइट, एंड फॉर बीटा, अब बड़ा स्मार्ट चलो, क्या करो तुम, डी वन ले लो. क्यों? क्योंकि सिर्फ ये ही कॉलम है आपका जिसके अंदर अल्फा था, तो उसको अब बीटा से वो रिप्लेस हो जाएगा. आई विल हैव माय 5 4 बीटा एंड द रेस्ट टू रिमेन द सेम. ठीक है, एंड एज पर दिस यू विल गेट 10 माइनस 12, यहां तो सेम ही कहानी है, माइनस 1 टाइम्स यू विल हैव 20 माइनस 4 बीटा प्लस 1 टाइम वी विल हैव 12 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0. राइट, बहुत सारे बच्चे आर ऑलरेडी गिविंग मी द आंसर बी. सो चलो देख लेते हैं, दिस इज माइनस 10 माइनस 20 प्लस 4 बीटा प्लस 12 माइनस 2 बीटा इज 0. सो दिस इज गेटिंग अस 2 बीटा. ये आप देख ही रहे हो, माइनस 30 एंड प्लस 12, या तो यहाँ सीधा ही कर लो, दिस विल बी माइनस 20 एंड प्लस 2, सो माइनस 18 इज 0, बीटा इज 9. ठीक है, आपसे ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मांगा था, 100% द आंसर इज बी. सो आई होप सब बच्चों ने इसके अंदर प्लस 4 बड़े आराम से बना लिए होंगे. आर वी क्लियर ऑन दिस? चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, एंड आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स टू रीड इट. चलो कुछ सेकेंड,
वी आर गिवन एस एन, जिसके अंदर वी हैव बीन गिवन कॉट इन वर्स ऑफ एवरी टर्म अप टू एन, वेयर एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो एंड लिमिट. तो आपका एक अजीब सा सीरीज वाले क्वेश्चन को लिमिट्स के साथ मिक्स किया है. हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? आई गेस द बेस्ट वे टू स्टार्ट एनी सीक्वेंस सीरीज क्वेश्चन इज कि आप उसकी जनरल टर्म लिख दो. सो शुड वी राइट इट? एब्सोल्युटली. जनरल टर्म लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ? देखो ये तो मेरे इसमें कोई टेंशन है नहीं. इफ़ यू लुक एट द पैटर्न, दीज आर ऑल टू बाई एक्स. वॉट हैपन्स हियर, अगर आप ध्यान से देखो, 3 है, 6 है, 10 है. वॉट इज दिस? वॉट इज दिस? आई थिंक एक बहुत क्लियरली मेरे को चीज़ दिख रही होगी कि भैया यहाँ पर जो है आपका सिंपल सिंपल एक ए जी पी बनती हुई दिख रही है. देखो इसका कॉमन डिफरेंस पहले वाले का 3 है, ठीक है, दूसरे वाले का 4 है. एंड इन फैक्ट अगर आप कोशिश करो तो आई एम 100% श्योर कि अगली टर्म दी होती तो ये ऐसी होती. सो यू नो द ट्रिक टू फाइंड द जनरल टर्म, ठीक है. उसके लिए अंदर क्या करते हो? तब तक करते हो जब तक ये डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं आ जाता. दैट इज द ट्रिक एग्जैक्टली. तो यहां से लेते हुए अब यू राइट द जनरल टर्म फॉर दिस. तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी? व्हाट डू यू राइट हियर? 3 प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1, ठीक है, इसको सिंपली n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, प्लस इसका ये 1 एंड दिस विल बी n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 2 फैक्टोरियल. दिस वॉज द डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है 2.0 के अंदर भी, राइट. एंड वी हैड अभी एक रिविजन सेशन, उसके अंदर भी मैंने ये फॉर्मूला वापस से रिवाइज करवाया था आपको. डन. तो यहां से हम nth टर्म निकालेंगे फटाफट से. आइए निकाल लेते हैं. सो दिस विल बी 3 प्लस 3n माइनस 3 एंड यानी कि बेसिकली दिस इज गॉन एंड आई हैव टू ओनली टॉक अबाउट दिस वन. सो इनिशियली n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 है ना बाय 2. सो दिस इज गोइंग टू बी n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n. सो दैट मेक्स इट प्लस 3n प्लस 2. राइट. सो माय nth टर्म हियर इज, दिख गया है मुझे n प्लस 1 n प्लस 2. आर वी वेरी क्लियर सो फार? है ना, यहाँ आ गया. तो यानी अब मैं जनरल टर्म अपनी लिखने वाली हूँ. मेरी जनरल टर्म इज गोइंग टू बी कॉट इनवर्स ऑफ, ठीक है, दिस विल बी n प्लस 1 n प्लस 2 x, ठीक है, बाई ये 2 एंड यहाँ पे तो प्लस 2 बाई एक्स मुझे मिलने ही वाला है. अगर यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है तो आई एम गोइंग टू गो अहेड. अगर मेरे को यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है तो यस, सुपर. अब मैं क्या करने वाली हूँ भैया? वी आर मोर फ्रेंडली विद टैन इनवर्स. तो यहाँ पे मैं इसको फ्लिप मार के लिख दूंगी. अगर मुझे, और वैसे उन्होंने दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0, मैं इसको फ्लिप मार के लिख दूंगी. इफ आई टेक द एलसीएम तो ये 2x ऊपर आ जाएगा ना, एंड यहां पे आएगा x इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2, राइट, एंड यहां पे आ जाने वाला है प्लस 4. देखो बॉस, सारे सवाल हल्के नहीं होंगे. कईयों में चीजें बहुत सिंपल होंगी लेकिन कैलकुलेशंस तगड़ी होंगी. दैट इज द रियल आईना. दिस इज क्लियर सो फार? है ना, सबको ये चीज़ याद है. अभी देखो मैं क्या करने वाली हूँ. इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली, मैं 4 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है. इफ़ आई टेक 4 कॉमन यहाँ से, तो यहाँ 2 है, ये 4 है, x, एंड नीचे यहाँ पे क्या रहा है, x टाइम्स n प्लस 1 n प्लस 2 एंड यहाँ बाय 4 एंड यहाँ पे आ जाने वाला है प्लस 1. राइट. तो सो फार मेरे पास ये चीज बन गई है. एक्स स्क्वायर होना चाहिए एन प्लस वन के साथ, राइट 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 राइट, यहां पे ना, यहां पे. सो फार वी आर सॉर्टेड नो. अच्छा यहां पे कह रहे हो, हाँ जी यहां पे, ठीक है जी. एक्स स्क्वायर लिख दिया है, राइट, एक्स स्क्वायर लिख दिया है. अच्छा अब मैं आगे बढ़ती हूँ, इसको इस टर्म को दोबारा लिख रही हूँ. टैन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा, टैन इनवर्स ऑफ हाफ एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, x अपॉन एक्स स्क्वायर. सो एक तो आपका ऑलरेडी कट ही जाएगा, ठीक है. व्हाट विल आई बी लेफ्ट विथ, इसको ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 होल बाय 4,
ठीक है, प्लस वन। अब देखो बाहर tan इनवर्स है, तो मेरा मन करना चाहिए यार कि अंदर एक फॉर्मूला बने कुछ इस प्रकार का कि ऊपर a प्लस बी आए या a माइनस बी आए। क्या आएगा? a माइनस बी। क्यों? क्योंकि यहां 1 प्लस ab का फॉर्मेट दिया हुआ है। अब मैं इसको कैसे तोड़ू? डिफरेंस ले लो, अ लॉट ऑफ यू आर राइटिंग, परफेक्ट। सो मैं इसका डिफरेंस कैसे ले लू? फॉर द डिफरेंस आई विल हैव टू से n प्लस टू माइनस n प्लस वन, क्योंकि इफ आई टेक द डिफरेंस यहां पे इवेंचुअली क्या बन जाने वाला है मेरे पास, इसको ध्यान से देखो, दिस विल टर्न आउट टू बी, अगर मैं इसको प्रॉपरली लिख दूं तो tan इनवर्स ऑफ, लुक एट इट केयरफुली, n प्लस टू बाय टू माइनस ये x माइनस n प्लस वन बाय टू x, ठीक है, होल अपॉन, मैं इसको वन प्लस, और इसको कैसे लिख सकती हूँ, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन, n प्लस टू बाय टू इंटू एन प्लस वन बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखो ये बना के यही बन रहा है, फॉर्मूला दिख गया अपने को, फॉर्मूला दिख गया अपने को, ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू होना था ना, ये क्लियर है अपने को, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यहां तक आ गया है सबका, क्या हुआ यहां तक आ गया सर, इसको ना प्लीज वन या जीरो पे कर दो, इट इज वेरी वो, ये हो जाएगा। चलिए तो अब फाइनली मेरा सवाल स्टार्ट हो रहा है, यहां तक तो भैया हमने सिर्फ जनरल टर्म के साथ खेला है, फाइनली आई एम गेटिंग इन टू द सेकेंड जोन, ठीक है। तो अब मैं आ रही हूं Sn इज इक्वल टू सिग्मा टी एन, बोर्ड के पेपर में आता है तो ये 6 नंबर का सवाल था, चलो जो भी है ये होना चाहिए। तो यानी इसमें मैं क्या कह रही हूँ, सिग्मा आई एम राइटिंग दिस टैन इनवर्स ऑफ, मैं ऐसे करती हूँ इसको ना, के इज इक्वल टू वन से एन तक लिख लेते हैं, दिस इज के प्लस टू बाय टू एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ के प्लस वन बाय टू एक्स। अब आपको यहाँ पे दोबारा ट्रिक दिख गई होगी, बिल्कुल ये आपका वी एन मेथड है, लेकिन आपको खोलने की जरूरत नहीं जरूरत, क्योंकि आपको ट्रिक पता है, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा, तो डालो, ठीक है, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा डालोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ छोटा ये है तो इसके अंदर डालना पहले, ठीक है, एंड यहाँ पर बड़ा ये है, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, तो फाइनली मेरे पास एस एन क्या आ जाने वाला है, मैं एस एन इज गोइंग टू बी बेटा टैन इनवर्स ऑफ n प्लस टू बाय टू एक्स माइनस, यहां पे देखो k को 1 डालोगे, 1 प्लस 1 होल बाय 2, तो tan इनवर्स ऑफ x। बढ़िया सवाल, ठीक है, Sn यहां पे आ गया, अब बस दिल्ली दूर नहीं है, अब तो आपने लिमिट लगा देनी है, इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो आप इसमें अगर लिमिट लगाते हो आप खुद से सोचो क्या आ जाने वाला है, यहां देखो जरा n को इन्फिनिटी बना दिया तो यहां तो सीधा पाई बाय टू ही बचेगा, एंड ये तो भैया tan इनवर्स x ही रह जाने वाला है, तो पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स x क्या होता है, cot इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू 1, यानी x का जवाब cot 1 आ जाने वाला है, आंसर अगर मैं देख लूं यहां ऑप्शंस में x इक्वल टू cot 1 इज द आंसर, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म, एंड इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाओ, शुरुआत में ही बोला था मैं यहाँ पर कोई मीठे मीठे सवाल नहीं कराने वाली, जैसे एक्चुअली पेपर में आते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट कौन से आपके टेस्ट हुए हैं, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ एजीपी का, ठीक है, जनरल टर्म निकालने के लिए, ये वाला ट्रिक आप जाके देख सकते हो, अभी रिसेंटली भी एक सेशन किया था कि जनवरी 2024 के पीवाईक्यूज में ट्रिक कैसे लगाते हैं, वहां भी आपको ये याद कराया था जनरल टर्म लिखने का ट्रिक, दैट इज नंबर वन। एक बार आपकी जनरल टर्म आ गई, उसके बाद आपने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके यू यूज द फॉर्मूला कि ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बन जाएगा, तो दो कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके vn मेथड का यहां पे लगा, जिसके अंदर आपने ट्रिक्स के जरिए अपना सवाल में समय बचा लिया, तो आपने ये सवाल और लेंदी हो सकता था अगर आपको ये दो ट्रिक्स नहीं पता होती, ये चीज आई एंड उसके बाद तो बस फिर कुछ नहीं था, राइट, परफेक्ट। चलिए ओके, सो दिस इज वेरी मच सॉर्टेड बच्चों, वैसे यहाँ पे जैसे पूरा ओपन करके कैसे कट के बचती हैं वो भी मैंने टर्म्स लिख रखी हैं। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा कुछ सेकंड फील लो, कैसे करोगे,
जो बच्चे फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला मैराथन एज पर न्यू सिलेबस फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, यानी आप 8 से 9 घंटे के अंदर पूरी रिवीजन कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर्मूलाज बट कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। चलो, फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज वॉट आई हैव, x नॉट इक्वल टू जीरो एंड ये चीज़, इट्स अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो मेरे को एक चीज़ पता है, सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी का यूज़ करूँगी एंड उसके बाद फिर मैं a के ऊपर जाने वाली हूँ, राइट। सो वॉट डज दिस कॉन्टिन्यूटी से, इट सिंपली सेज कि आर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, राइट, f ऑफ x शुड बी द सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो। भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो में तो कुछ है ही नहीं, आप x को जीरो पुट करो, e रेज टू पावर 3 आ गया, ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है, e रेज टू पावर 3 है। मेन मुद्दा इसको सॉल्व करने का है, क्या फॉर्म है, क्या मुझे ये दिख रही है? अरे क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने पहचान लिया, इट्स द ट्री मंकी ट्रिक, पर पहले हमेशा चेक कर लो ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। द मोमेंट आई टेक x एज जीरो, ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, बिंगो, ठीक है। तो आ जाओ, क्या बन जाएगा ये आपकी, यहाँ पे आ गई है ट्री मंकी ट्रिक। क्या करते हैं उसके अंदर, ई रेज टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ट्रिक कहती है बंदर को बुलाओ नीचे, पेड़ को कटवाओ ना, है ना। तो बंदर क्या है, बंदर ये टर्म है जो ऊपर चढ़ के बैठी है, पेड़ को कटवाओ ना मतलब जो भी टर्म है उसमें से एक पेड़ कटेगा, यानी माइनस वन हो जाएगा। सो दिस इज द इंटायर एक्सप्रेशन, राइट, परफेक्ट है। आइए, सो व्हाट डू आई डू आगे, दिस इज व्हाट आई हैव। अब इसी को मेरे को सिंप्लीफाई करके देखना है क्या करना है। देखो, मुझे एक चीज समझ आ रही है, ये तो साइन में है, कहीं ना कहीं आई विल बी टारगेटिंग दिस थिंग, है ना, कहीं ना कहीं आई वॉन्ट टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो क्या करूं, ये यूज करने के लिए साइन तो सही है, लेकिन दिस इज, अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। पहले तो देखो ये भी यूजलेस है, मैं सिर्फ अब लिमिट पे फोकस कर रही हूँ, ई थोड़ी देर नहीं लिखूंगी। तो ये आ जाने वाला है ए बी इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है, यहाँ अभी के लिए 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिस इज ऑलरेडी देयर साइन ऑफ 2 बाय ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ, सो आई बी लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा, जिसको मैं लिखूंगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आ जाओ, अब यही लगाने, इस एक्स स्क्वायर को अंदर डाल देते हैं, इसी एक्स स्क्वायर को उठा के मैं अंदर डाल देती हूँ। अब आपको पता है माइनर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मुझे, है ना। माइनर एडजस्टमेंट कैसे करोगे, ये 2 बाय ए है, इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो जी। यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है, तो 3 बाय 2 बी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे, तुम एक्चुअली 9 बाय 4 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइस। इसको थोड़ा हटा देती हूँ, ठीक है, सो फार वी आर सॉर्टेड। चलिए, तो अब मेरे को पता है मैंने कैसे लगाना है इसको, ए बी एज इट इज आ गया, ये जो आपकी चीज है यार साइन के साथ 1 हो जाएगी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बाय ए बच जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ये सारा का सारा चीज आपकी, सारी की सारी चीज 1 हो जाएगी, यहां पे क्या बच जाएगा, 9 अपॉन 4 बी स्क्वायर, राइट बच्चा। तो यहां पे क्या बच गया, अब तो ये छोटी छोटी चीज है, 2 बाय ए माइनस 9 अपॉन 2 बी स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर है, ऑल दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई क्यूब। तो यार इधर भी ई अपॉन दिस थिंग है, इधर भी ई अपॉन 3 है, यानी मैं दोनों को इफ आई से विद 1 एंड विद 2 आई विल इक्वेट दोनों ही, एक ई रेस्ट टू बार एक्स है, एक ई रेस्ट टू बार वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल आई से, हाँ, यूजिंग 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा मुझे, 3 इज इक्वल टू, यहां पे देख लेते हैं, दिस विल बी ए बी, तो मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं या फिर जैसे भी कर लो, अभी ऐसे ही लिख देती हूं, 2 बाय ए माइनस 9 अपॉन 2 बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करके, वी हैव टू गेट टू द वैल्यू ऑफ ए, तो आ जाओ अभी इसको सॉल्व करते हैं,
ठीक है. सो इफ आई टेक दी एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 4b² - 9a एंड नीचे 2ab². आई एम गोइंग टू चॉप चॉप, जो जो भी कट रहा है उसको चॉप चॉप कर दो, राइट. अब क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा देखो इसको ध्यान से. इफ आई सी, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 6b = 4b² - 9a, राइट. यानी मैं कह सकती हूँ 4b² - 6b - 9a = 0. इट्स अ क्वाड्रेटिक, इट्स अ क्वाड्रेटिक. कई बच्चे ए एन जी एम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट थिंक यू विल नीड दैट. ट्राई करना है, कर सकते हो. यहाँ पे देखो उसने कहा है फॉर बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है. यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है बी रियल है, ऑब्वियसली सिंस बी इज रियल, तो यानी मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाने वाला है, ऑफ कोर्स. तो अब क्या बोलोगे, b² - 4 times a into c इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. भैया जो चीज़ें कट रही हैं उसको पहले ही काट दो, तो आ जाएगा 1, ठीक है. मैं पूरे 36 से ही डिवाइड कर दिया है, इस पूरे से ही 4 and 9, 36 से ही डिवाइड कर दिया. 1 + 4a > 0, यानी a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4. अभी मेरे को क्या कहा है, मॉड ऑफ a मिन में अगर लूँ इसको, ठीक है, मॉड ऑफ a मिन, मेरे को एक्चुअली इसका रेसिप्रोकल चाहिए. तो पहले तो मैं 1/a min ले लेती हूँ. मिनिमम जो है भैया अपना -4 आ जाएगा, लेकिन मेरे को मॉड लेना है. सो द आंसर इज 4. आंसर इज 4, विच इज माई ऑप्शन नंबर सी. अब ध्यान से देख लो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं चमका हो तो बहुत ध्यान से देख लीजिए. कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो बच्चा जो नहीं चमका हो मुझे, एक बार हल्का सा रिकैप करा देती हूँ. आपने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया, देन यू अप्लाइड द 1 raised to power infinity, यानी कि दिस ट्री मंकी ट्रिक, वो लगाने के बाद आपने माइनर एडजस्टमेंट करी ताकि ये चीज़ आप यूज़ कर पाओ. उसके बाद यू जस्ट इक्वेटेड द टू, सिंप्लीफाई किया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक तगड़ा रूल यूज़ कर लिया कि यार b बिलोंगिंग टू r है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. परफेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको पढ़ो आराम से. Consider f of x is minimum of x plus 2 and root of 4 minus x, ठीक है, for all x less than equal to 4, यानी they always want कि ये positive हो, सिर्फ ये इसलिए दिया हुआ है कि quadratic के अंदर वाली चीज़ positive रहे, real रहे. If the area bounded by y equal to fx and the x axis is 22/k, तो value of k क्या होगी, area under the integral का question है, area under the curve. मिनिमम ऑफ y इक्वल टू x प्लस 2, देखो पहले क्या है, y इक्वल टू x प्लस 2 प्लॉट कर लेते हैं. सो व्हाट डू आई हैव, ऑब्वियस है, इफ यू पुट x एज 0 माय y टर्न्स आउट टू बी 2, एंड इफ यू पुट y एज 0 x इज -2. सो दिस इज प्रिटी मच सॉर्टेड, वैसे भी आपको पता है दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. कैसे प्लॉट करूँ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स को, यहाँ दिखा देती हूँ. रूट ऑफ 4 माइनस एक्स अगर आपको ऐसे ही चमक गया तो ठीक है, अदरवाइज यू स्क्वायर बोथ साइड्स, y² = 4 - x, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. तो आपको दिख रही होगी, एक फीलिंग आ रही होगी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की, जिसकी शुरुआत, यहाँ पे मैं एक्चुअली इनको लेबल भी कर देती हूँ, हाँ, जिसकी शुरुआत मैंने कहा 4 से हो रही होगी, 1 2, ठीक है, 3 4, एंड इट्स गोइंग टू बी लेफ्ट हैंडेड. क्या ये इससे पास करेगा, इफ आई मेक अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, क्या ये इससे पास करेगा, चेक करके देख लेते हैं. अगर मैंने इसमें 0.2 पॉइंट डाला, डज इट सेटिस्फाई. सो इफ यू पुट 0 हियर इट इज गोइंग टू बी 4, इफ यू पुट 2 हियर इट्स गोइंग टू बी 4, सो यस. अब नीचे क्यों नहीं ड्रॉ किया नेहा मैम, इट वॉज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो नीचे तो कुछ होता ही नहीं है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव्स यू द पॉजिटिव रियल आंसर. अब उसने कहा एंड द एक्स एक्सिस, यानी माई रिक्वायर्ड एरिया इज दिस एंटायर थिंग. क्या ये चीज मुझे चमक गई है, यस और नो. अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं. आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, आप ये ट्रायंगल का निकाल के और उसके अंदर 0 से 4 एरिया अंडर दिस कर्व को ऐड कर सकते हो, दैट्स वन वे. अनदर इज यू टेक इट विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, द चॉइस इज योर्स, ठीक है.
सो आ जाओ, लेट्स जस्ट सी क्विकली. मे को क्या सिंपल लग रहा है ना, वाई का ऑलरेडी सब कुछ निकल रखा है, तो आई कैन से द रिक्वायर्ड एरिया इज गोइंग टू बी इंटीग्रल 0 से 2. इट इज ऑलवेज राइट माइनस लेफ्ट. राइट क्या है ये, लेकिन याद रखना बच्चा, वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. सो वाई इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स. आई विल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स. सो माई एक्स इज गोइंग टू बी सिंपली 4 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर कोई रूट का झंझट ही नहीं है. माइनस दिस, सो माइनस दिस बोले तो y इक्वल टू x प्लस 2 है ना, तो x क्या हो जाएगा, y माइनस 2. यू जस्ट हैव टू फाइंड दिस आंसर, कर लेंगे. हाँ, अब एक बहुत वैलिड सवाल आ रहा है बच्चे का, मैम मिनिमम कैसे आपने पता लगाया. मैंने काफी ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेस कर दिया, पर तुम देखो ध्यान से, इट्स अ गुड क्वेश्चन. देखो आप माइनस 2 से 0 गए, मिनिमम मतलब जो नीचे की तरफ ग्राफ होगा, जो मतलब कम वैल्यू दे रहा होगा, तो एक ये वाला है, ठीक है, दूसरा ये वाला है. तो अब आप देख लो मिनिमम कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला है. ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला आ जाएगा दिन दोनों में से. नाउ यू मूव फ्रॉम 0 to 4. एक आपका ग्राफ ये है विच इज द स्क्वायर रूट, एंड एक ऊपर जा रहा है, तो विच इज लीस्ट, ऑब्वियसली यार नीचे वाला, एंड दैट इज वाई मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि ये शेडेड पोर्शन है. बट आई होप अब क्लैरिटी आ गई होगी, अगर कोई डाउट होगा किसी को तो. राइट, दैट्स इट. इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए एंड द आंसर विल बी डन. तो फटाफट निकाल के बता दो मुझे क्या आंसर है. दिस विल बी माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 6. ठीक है, सो इवन इफ इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज टेक मॉड. सो आप सिर्फ 2 वैल्यू डालने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर. अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी गिवन मी डी ऑप्शन. यहां पे अच्छा, इट इज गिवन टू बी इक्वल टू 22/3 गिवन. सो यू हैव टू गेट द वैल्यू फॉर के, 22/k है ना. तो आई थिंक ये तो आपको दिख ही जाएगा जब आप एलसीएम वगैरह लोगे एंड इवेंचुअली इसको फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट द आंसर टू बी 3. सो इसको अंत तक आप कैलकुलेट कर लेना, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, नथिंग एल्स. ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी आ चुकी हैं, डन. ऑलराइट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज. चलिए, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस. And let's share this PDF at 2000 like, तो like बढ़ाते रहना. Okay, let vector r be a position vector of a variable point in the xy plane. So they are not talking of the z component. इतना मुझे चमक गया है, यानी vector r मेरे को पता है xi cap plus yj cap होगा. अच्छा, such that this is given to be 3. ठीक है, then maximum value what this can take is equal to which of the following? Now let's talk of this. तो मैंने क्या किया, r dot, मैंने कहा यार xi plus yj dot 6j minus 4i, एंड यहां पे भी r की जगह xi plus yj मैंने डाल दिया is equal to 3. Let me just sort the terms a bit. X के साथ क्या आ जाने वाला है, x minus 4i cap. With my j cap I'm going to get y plus 6 j cap. चलिए क्विकली से इसको करते हैं. x into x minus 4 it's just the dot product plus y into y plus 6 is gonna be 3. x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 is 0. What is this? यार था तो सवाल वेक्टर का नेहा मैम, बन गई इक्वेशन सर्कल की. फील कर पा रहे हो, यानी नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मैं अब यहाँ पे एक खेल खेलूंगी. हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे सोचे उसका होल स्क्वायर ले लूँ मैं, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने हमेशा बोला है पूछा हो तो आप वो ले लेना. यहाँ पे एक्चुअली आपसे पूछा क्या है, x प्लस 2 आई कैप प्लस y माइनस 3 के कैप का मैक्सिमम वैल्यू. तो आप इसको रूट में लोगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी कुछ कुछ यहाँ से यूज करते हो यहाँ निकालोगे. अगर मैं गेम बदल दूँ तो इट्स अ सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है दिख रहा है मुझे 2 कॉमा माइनस 3,
एंड रेडियस क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 4 आ जाएगी. आई नो द सर्कल, राइट, सर्कल की इक्वेशन, सेंटर पता चल गया मुझे, रेडियस पता चल गई. नेक्स्ट व्हाट, मुझसे अब ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देती हूँ कि यार अगर मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, उसने कहा मैक्सिमम वैल्यू सम रैंडम पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखो -2,3, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से -2,3, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा. तो इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो हमने आपके 2.0 में किया था. अगर आप स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट को डीप में करना चाहते हो तो 2.0 की प्लेलिस्ट में जाओ, सर्कल्स की वीडियो पे ये मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस का टाइम स्टैम्प ढूंढ के देख लेना. सो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस आई नो कि मुझे क्या करना होता है, एक्चुअली पॉइंट्स के पीछे बीच का डिस्टेंस लेके उसमें आर ऐड कर देना होता है, रेडियस ऐड कर देनी होती है. तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेके, क्योंकि पॉइंट किधर भी हो सकता है ना, सो पॉइंट्स का, इसको सी बुला लूँ, इसको पी बुला लूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस इज गोइंग टू बी सी पी प्लस आर, आर इज ऑलरेडी 4. दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो ना यार, क्या दिक्कत है. तो क्या हो जाएगा, -2, 3 एंड दिस इट बी -2, -2, सो 4 स्क्वायर इज 16, 3 --3 9, 9 स्क्वायर इज 81, ठीक है, प्लस 4, सो व्हाट एम आई गेटिंग, 7 इधर है, 97, अयो ये क्या किया, एक सेकेंड देख लो, 2 -2, 4 स्क्वायर इज 16, 3 है 6 स्क्वायर, 9 क्यों किया, 6 स्क्वायर 36, मुझे लगा ऑप्शन से क्यों नहीं मैच कर रहा. 52 प्लस 4, 52 आप लोग को पता है, यू गाइस कैन राइट दिस एज 2√13 प्लस 4, ठीक है. सो इफ आई टेक 2 कॉमन इट्स √13 प्लस 2, 2 कॉमन √13 प्लस 2, बी इज द आंसर. सच्ची सच्ची बताना, हाउ डिड यू लाइक द क्वेश्चन, अमेजिंग था. We worked really hard to pick these questions for you. और आप देखोगे maximum सवाल ना सीधे नहीं मिलेंगे आपको. Vectors के अंदर circle का एक तगड़ा concept हमने बीच में insert कर दिया. Right? मजा आ जाएगा आपको आज के सवाल लगा के. Okay. All right. Greatest integer function दे रखा है, यानी हाँ कुछ कुछ दे रखा है limit के साथ merge करके. Let's see. टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू रियलाइज क्या करना होगा इसमें. एक हिंट देती हूं आपको, वेन एवर वी हैव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व, ऐसा कई बार मैंने आपको करवाया है लिमिट्स के सेशन में कि आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर देना, स्पेशली जब एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी. इसको प्लीज लिख के रख लो, अगर तुमने जब मैं PYQ सॉल्व कर रही थी इस कॉन्सेप्ट को अगर मिस कर दिया हो तो, इट्स गोइंग टू मेक योर, हाँ कई बच्चे, मैं आपको एक बात बता दूँ, इस सवाल को सैंडविच थ्योरम से करते हैं, बिलीव मी उससे बहुत लंबा होता है क्वेश्चन, जो मैं तरीका बताऊंगी उससे रिलेटिवली काफ़ी छोटा होगा. सैंडविच से कर सकते हो, आई एम नॉट डिनाइंग, आई विल गिव यू दिस मेथड, दिस इज गोइंग टू बी अ स्टार मेथड फॉर यू. अब समझ लो क्या करना है, सबसे पहले इसके उठा के जनरल टर्म लिख दो, ठीक है. तो जनरल टर्म आप लिखोगे क्या आएगा, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, तो भैया अपने को पता है r स्क्वायर है ना, x तो x ही है, ठीक है, ऐसा है ये, ठीक है, सिग्मा लिख देते हैं हम, सिग्मा r इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, ठीक है, अपॉन n क्यूब, राइट. लेट्स फोकस ऑन दिस, लिमिट अंत में लगाएंगे, ये लिमिट ऑफ अ सम का सवाल नहीं है, ये आपने सम घुसाया है बीच में, ठीक है. चलो अभी देखो, अब मैंने जो आपको स्टार मेथड बताया उसको यूज करो, आर स्क्वायर एक्स, और अभी बताऊंगी कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एन क्यूब अपॉन एन क्यूब. लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई टेल यू वन थिंग वेरी, अच्छा ये तो इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, हाँ राइट. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज अंडरस्टैंड कि ये स्टार मेथड लगाते ही ये टर्म तो आपकी टेंडिंग टू जीरो हो गई, आपने इसका कुछ नहीं करना, दैट इज द ब्यूटी.
बट क्यों हो गई जीरो? एन इज टेंडिंग, देखो आपका जो आर स्क्वायर एक्स जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसकी रेंज इज ऑलवेज जीरो से वन तक. अब ऐसे फंक्शन को आप एन क्यूब से डिवाइड कर रहे हो एंड साथ में ये बोल रहे हो कि एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली यार ये कहाँ टेंड करेगा? जीरो पे करेगा, खत्म. यानी मुझे गेम सिर्फ यहाँ खेलना है. बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ सिग्मा था ऑब्वियसली. सो अब आप क्या करो, सिर्फ फोकस ऑन दिस. सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी देखो सिग्मा है आपका आर स्क्वायर पे लग रहा है, एक्स इज अ वेस्ट. यहाँ पे लिख दो आर इज इक्वल टू वन से एन आर स्क्वायर अपॉन एन क्यूब. अब ये क्या है यार, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपसे पूछ सकते हैं वो, राइट? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इधर, क्या आ जाएगा? एक्स एज इट इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ठीक है, एन क्यूब. इफ आई टेल यू कि बस कहानी तेरी खत्म हो गई, यहां पे आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ट्रिक को यूज कर सकते हो. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ट्रिक को यूज कर सकते हो. कितने बच्चों को याद है ट्रिक फॉर दिस पर्टिक्यूलर थिंग? ठीक है, एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी वन सेक, एक मिनट, इसको थोड़ा सा, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट पेज, यहीं पे इसको मैनेज कर लेते हैं. चलिए, ओके, हाँ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ट्रिक ने क्या बोला, क्योंकि दोनों की पावर आप एन की देख लो सेम है, एक्स को तो फर्क वैसे ही नहीं पड़ रहा, एक्स को तो आप चाहे तो उठा के बाहर ही फेंक दो. हियर द पावर इज एन क्यूब, सो वॉट इज द हाइएस्ट कोफिशियंट भैया? टू. एंड हियर द अगेन इट इज एन क्यूब एंड द कोफिशियंट इज सिक्स. माई आंसर इज एक्स बाय थ्री. माई आंसर इज एक्स बाय थ्री विच इज राइट हियर. तो कहानी किस्सा सब खत्म हो गया इफ यू हैव दिस मेथड. दैट्स इट, कुछ है ही नहीं. और आप फिर भी किसी और मेथड से करना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम. बट सबसे पहले अगर आपको एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और जिफ फंक्शन दिख रहा है तो राइट इट एज नंबर माइनस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट आपका जीरो हो जाएगा. एंड फिर आप इसके साथ खेलो, यू विल सी नॉर्मली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ट्रिक लग के सवाल बहुत ही आसान बन जाता है. ठीक है, डन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, ओके, इफ द फंक्शन जी टी इज गिवन दिस वे, ठीक है, तो इसका भैया क्या आंसर आएगा? इंटीग्रेशन का सवाल है लेकिन बहुत सीधा नहीं है, तो क्या करूं मैं इसके साथ? इफ यू लुक एट दिस केयरफुली बच्चा, मैं कुछ नहीं समझ आ रहा तो आई कैन ट्राई माई किंग्स रूल बिकॉज इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल सवाल. तो आ जाओ देखते हैं, लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन वन, लेट अस से, ठीक है. तो मैं आपका क्या आ जाएगा, किंग्स रूल लगाऊं जिसको मैं सुपरस्टार प्रॉपर्टी बुलाती हूं, तो जी ऑफ टी क्या आएगा आपका, टू टी टी स्क्वायर. ठीक है, क्या लिखूंगी, कॉट इनवर्स ऑफ, याद रखना यू आर चेंजिंग एक्स नॉट योर टी, ठीक है, वन प्लस दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस एक्स. ठीक है जी, नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये तो अनटच रहेगा, दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस एक्स. लेट्स प्लीज सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ, अब देखो टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, ये देख रहे हो, तो टी प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज लिख दो आप, राइट. यहां क्या हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी, तो ये टी स्क्वायर प्लस टू टी तो इधर से ही कट गया, यहां से एक्स बचेगा, यहां से वन बचेगा, ये लिख दिया मैंने. कहीं मुझे कोई रिजेंबलेंस फील हो रही है क्या बच्चा? कहीं तेरे को रिजेंबलेंस फील हुई कि ये जो लिखा है ये उसी का रेसिप्रोकल लिखा है एक तरीके से अंदर? ठीक है, वॉट डू आई डू, मैं आसान करने के लिए, अब मैंने वन प्लस टू करना है, सिर्फ आसान करने के लिए एक बहुत सिंपल हैक सिखा रही हूं. इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है, इस पूरे को मैंने बी मान लिया, तो यानी ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया. द मोमेंट आई से वन प्लस टू इंप्लाइज,
अभी देख लो, इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि cot inverse of a by b plus cot inverse of b by a. आप खुद से बताओ ये क्या हो जाएगा. इट इज लाइक इसको फ्लिप मार दो, tan inverse of a by b लिख दो, तो ये आपको नहीं लगता कि pi by 2 ही बच जाएगा सिर्फ, डायरेक्टली अगर मैं सोचूं तो. बस यही तो सोचना था, यही तो सोचवाना था तुमको. ट्वाइस ऑफ g of t विल बी इक्वल टू 2t से t स्क्वायर पाई बाय 2 dx. तो यानी माय g of t बिकम्स हाफ ऑफ दिस विल बी पाई बाय 2 और आपको पता ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. g of t इज पाई बाय 4. आप चाहो तो यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो. If you add 1 to this, this will become t minus 1 whole square. लेकिन आपने add किया है तो subtract भी करना पड़ेगा. अब इसके अंदर बिंदास वैल्यू डालो, आंसर निकालो, खत्म. ठीक है, क्या आ जाएगा? g of 5 upon g of 3. ठीक है, so what will I have? Pi by 4. And यहाँ पे डाल लो 5 minus 1, 4 square which is 16 minus 1. And इधर क्या आ जाएगा? 3 minus 1, तो 2 square, which is 4 minus 1. So pi by 4 है, 15 by 3 है. तो 5 pi by 4, अयो अयो, ये क्या है भाई? आंसर का ही नहीं मैच कर रहा. अच्छा, pi by 4 तो दोनों से ऊपर नीचे कट जाएगा ना. Sorry, my bad. वो तो दोनों ही ऊपर नीचे से कट जाएगा. I think इसको एक बार ही और लेकर देख सकते हैं. आंसर 5 कह रहे हैं बच्चे. हाँ, तो सही तो है. पाई बाय 4 इधर लेने का, तो ये यही तो निकाला था. 5 माइनस 4 से तो यहाँ पे 15 आ रहा था. एंड यहाँ पाई बाय 4 में क्या आ रहा था? आपका 3 आ रहा था. बिल्कुल सही, 5 है आंसर. रेशियो ले रहे हैं ना, बिल्कुल सही. पाई बाय 4 गेट्स कैंसल्ड. यस, मज़े आए, बढ़िया सवाल था. नहीं देखा होगा आज तक. आई एम टेलिंग यू द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी पिक्ड. वो आपको घुमाएंगे और कई बार हंसाएंगे भी कि कैसे सवाल था यार. सही है, ग्रेट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक आप लोगों के लिए पोल लगा रखा है. प्लीज उसका एज अ फीडबैक दे के जाओ मुझे कि आपको कौन से सीरीज मोस्ट हेल्पफुल लगे. बिकॉज उसी टर्म्स पे एक तो आगे के आपके यू नो जनरेशन्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, सेकेंडली एडवांस में किस तरीके के आप पीवाईक्यूज चाहते हो या कुछ और चाहते हो वो भी मुझे हेल्प करेगा प्लान करने में. ऑलराइट, एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ऑफ एक्स बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स. ए बी बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ एक्स एंड ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5. आई थिंक ऐसा ही सवाल था. इस बार नॉट इक्वल टू 5 वाला था, कुछ तो सिमिलर टर्म्स पे ही था पी वाई क्यू. राइट, तो यहाँ पे आपको क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? ये रिफ्लेक्सिव के लिए मैं ये कह रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन ए शुड बी 5 ऑलवेज. अरे यार, ऑलवेज कैसे हो सकता है भाई? मैं ए एंड बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ए एंड बी को मैं कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लूँ, हो सकता है उसमें कॉमनैलिटी हो. तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है इसलिए इक्विवेलेंस भी नहीं है. फॉर सिमेट्रिक इट इज ऑब्वियस. अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ऑब्वियसली मैं मतलब मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है बी इंटरसेक्शन ए बी 5 होगा. मैंने और सोचना ही नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही ऑप्शन बी दे देना. मैं ट्रांजिटिविटी में जाऊँ क्यों, है ना? मैं जाऊँगी ही क्यों? वैसे अगर जाना पड़ता तो क्या होता कि ट्रांजिटिव होता या नहीं होता? देखो यार, ऐसा आपको सोच के समझ में आ गया होगा कि ए है ना इंटरसेक्शन बी इज 5. अच्छा, तो मैं कुछ ऐसा बना लूं कि ए इंटरसेक्शन बी तो 5 है और बी इंटरसेक्शन सी भी 5 है. लुक एट इट, मेरे को मैंने बोला इसको ए 1 2 है, ठीक है. बी मैंने बोल दिया 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 है. सी मैंने बोल दिया 1 6 है, ठीक है. बी इंटरसेक्शन सी भी 5 है लेकिन ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट 5. तो भैया ये नॉट ट्रांजिटिव है. अगर मुझे पता करना होता, ठीक है, अगर मुझे पता करना होता तो इन जनरल ट्रांजिटिव नहीं था. एनीवे, यहां तो हम यहीं खत्म करके अब गाड़ी अपनी आगे बढ़ा देंगे. ओके, नेक्स्ट सवाल. इसको देखो जरा.
चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं जरा। सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इफ आई लुक एट इट केयरफुली, सम ऑफ द सीरीज 8cj, अच्छा अब मैं देखो थोड़ा सा अगर इसको ऐसे लिखूं, सिग्मा j इज इक्वल टू 0 से 8, अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 8cj को एक्सपैंड करके देख लेते हैं। दिस वन स्टेज एज इट इज, 8 फैक्टोरियल j फैक्टोरियल 8 माइनस j होल फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप j फैक्टोरियल के साथ j प्लस 1 डाल दो तो इट इज j प्लस 1 फैक्टोरियल, उसके साथ इफ यू मिक्स j प्लस 2 ऑल्सो इट बिकम्स j प्लस 2 होल फैक्टोरियल, राइट। तो लेट्स डू दिस, 1 अपॉन j प्लस 2 होल फैक्टोरियल, ठीक है, एंड यहाँ पे बन रहा है आपका 8 फैक्टोरियल 8 माइनस j होल फैक्टोरियल। अब मुझे बड़ी टेम्पटेशन हो रही है कि यार इस j प्लस 2 को मैं किसी तरह यूज करके कॉम्बिनेशन बना दूं तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक टेम्पटेशन हो रही है। तो मैंने कहा यार j प्लस 2 को एडजस्ट करने के लिए, j प्लस 2 होल फैक्टोरियल ऑलरेडी है, नीचे मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 8 माइनस भी कुछ ऐसा आ जाए। लुक एट इट केयरफुली, मैंने कहा यार मैंने इसको ऐसे किया, अगर मैंने इसको कहा 9 × 10, तो ऑब्वियसली मुझे 9 × 10 से यहाँ पे डिवाइड भी कर देना पड़ेगा। आप बोलोगे ऑब्वियसली नहीं, हम क्यों किया, ये आ गया 1/90। द मोमेंट आई डू दिस, अब समझो हो क्या रहा है, 10 × 9 = 8 फैक्टोरियल, दिस इज माई 10 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया, दिस इज j प्लस 2 होल फैक्टोरियल, और आप 8 माइनस j होल फैक्टोरियल को ध्यान से देखो, कैन आई राइट इट दिस वे, ऑफ कोर्स ये क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2 8 माइनस j होल फैक्टोरियल ही तो है, दैट्स इट, कहानी खत्म है रे बाबा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1/90 सिग्मा j इज इक्वल टू 0 से 8, ये क्या आ जाएगा 10 cj + 2। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, बट यहां तक आई होप हमको समझ में आई है, दिस इज व्हाट आई हैव। अब मैं क्या करने वाली हूं, आई एम गोइंग टू राइट 1/1। मैंने कहा यार ऐसा है, j को 0 पुट किया 10c2, j को 1 पुट किया 10c3, 10c4, कहानी समझ में आ गई तुमको, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, जब वेन यू गो टिल 8 इट इज गोइंग टू गिव यू 10c10। आपने कहा यार ये तो बाइनोमियल वाली फीलिंग आ गई, लेकिन अगर इसमें 10c0 और 10c1 भी होता तो मैं इसको पूरा लिख देती, तो करो लिखो पूरा इसको, यही नंबर को डिलीट कर दो यहां से, ये क्या बन जाएगा 10c0 10c1 अप टिल 10c10, एब्सोल्युटली दिस इज 2^10, तो 2^10 माइनस ये क्या आ जाएगा, 10c0 इज 1, 10c1 इज ऑब्वियसली 10, तो जी आपने अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। 1/90 तो वैसे ही सब में है, आपने जो खेला खेलना है वो इसमें खेलना है, बी एंड सी के बीच में ऑप्शन, आई थिंक देखो 2^10 जो होता है वो तुम्हारा 1024 होता है, तो 1024 में से 11 करोगे तो ऑब्वियसली यही आएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा है कि जब रिवाइज कर रहे होगे जरूर करना। वंस अगेन आपने क्या किया, आपने फैक्टोरियल की मदद से यू जस्ट ट्रांसफॉर्मड इट इनटू दिस। अब आपके दिमाग में खुराफात आया, आपने कहा यार इसको एनसीआर में कर लूँ तो बाइनोमियल में जा सकते हैं, फॉर दैट 9 × 10 के साथ एडजस्टमेंट करके दिस इज वेयर यू रीच, सो इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट वन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, चलिए आ जाओ बच्चा। उसने कहा ए एंड बी आर बिटवीन 0 and 3 एंड द इक्वेशन दिस वन इज इक्वल टू 2x हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। बहुत सी बड़ी अजीब सी चीज हो गई है, तो बट इसको बेसिकली सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे, राइट। व्हाट डू आई कैन राइट दिस एज x² + 4। मैं एक काम करती हूँ, एक
एलजेब्रा के सारे टर्म्स को एक तरफ कर देती हूँ, ट्रिगो को दूसरी तरफ धक्का मार देते हैं, ठीक है। तो माइनस टू एक्स आप लेफ्ट साइड ले आओ और इसको माइनस थ्री टाइम्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी कर दीजिए। वॉट विल दिस बिकम? आप देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस वन प्लस थ्री, है ना। इसको अभी थोड़ी देर एज इट इज रहने दो। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये स्टेप कोई दिखाने का नहीं था, ये तो मैं यहां से डायरेक्ट ये लिख सकती थी। इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड, मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड। चलिए, यहां पे पहुंच गए। अब मुझे ये पता है उसने कहा हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, एंड ए बी आर गोइंग टू बी बिटवीन जीरो एंड थ्री। अब क्या ऐसा है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? आई नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि यार ये जो है ना आपका, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने वाला है। तो यानी जो आपकी LHS आने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये मेरे को चमकता है। RHS क्या ले सकता है? ये जो cos है आपका, दिस इज गोइंग टू बी बिटवीन माइनस वन एंड वन। तो सिंपल सी बात है, आप माइनस थ्री से अगर मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, इट विल बी बिटवीन माइनस थ्री एंड प्लस थ्री। यानी कि अगर मैं यहां से कंपेयर मारूं, ये क्या है, ये आपका RHS है। RHS दैट मींस कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू थ्री। अब दोनों को बराबर करना है, दिस इंप्लाइज LHS एंड RHS। मुझे कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट ढूंढना है जब ये दोनों ही थ्री वैल्यू दे रहे हो, राइट, तभी ये इक्वल होगा। दोनों थ्री वैल्यू दे, उसके लिए उसको जीरो होना पड़ेगा। दैट मींस फॉर LHS एक्स माइनस वन होल स्क्वायर शुड बी जीरो, यानी एक्स शुड बी वन, है ना। एंड फॉर RHS टू बी थ्री, क्या कर रहे हो आप? आपने कहा फॉर RHS टू बी थ्री, भाई इस एक्स को वन यूज करो आप। तो ये माइनस थ्री टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर मैं ले लूँ, दिस शुड बी इक्वल टू थ्री। यानी एक तरीके से आप हमें कह रहे हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इज माइनस वन। कॉस इनवर्स ले लूँ मैं माइनस वन का, तो कौन कौन से वैलिड वैल्यूज आ रहे हैं मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ वन में, माइनस वन पे, सॉरी। इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, याद है ना, वैसे कईयों ने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया होगा। कॉस इनवर्स ऑफ वन तो यार जीरो ही होगा, पाई इज द आंसर, बी ऑप्शन। मतलब टेक्निकली तो आपके और भी आ सकते हैं, है ना, टेक्निकली तो हम और पे भी जा सकते हैं, पाई ले सकते हो, फिर थ्री पाई ले सकते हो, फिर फाइव पाई ले सकते हो, वो भी आप सेटिस्फाई करके देख सकते हो। पर हमने अपनी गाड़ी को यही रोक दिया है क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ यही है, दैट्स इट। कैसा लगा यार सवाल, सच्ची बताओ? आपने सिर्फ रेंज ऑफ अ लीनियर, रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एंड रेंज ऑफ अ ट्रिगो फंक्शन को यूज करके यू जस्ट केम टू अ कॉमन पॉइंट, अ कंसेंसस कि हाँ यार ये थ्री होना चाहिए, एंड देन यू वर्क योर वे अराउंड टू फाइंड एक्स एंड उसके बाद ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की अगर मैं बात कर लूँ, व्हाट शुड बी माय ए प्लस बी, इट शुड बी पाई। डन। चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। या आई नो कईयों को ये आसान, ये सवाल आसान भी लगा होगा ऑब्वियसली। चलिए जी, आइए। ओके, वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर बी इज गिवन, इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ऐसा ऐसा है। भैया ये बड़ा देखा देखा पी वाई क्यू फॉर्मेट का सवाल है, आपको देख के फीलिंग आ गई होगी, एटलीस्ट ये देखकर ऐसे ही लग रहा होगा हाँ ये मैंने ऐसा बना रखा है सवाल। तो आ जाओ, क्या करना है आप? देखो पेपर में ऑनेस्टली तीन चार सवाल आपको हम ऑन एन एवरेज ये कह सकते हैं कि यार आसान आपको बिल्कुल मिलेंगे। बाकी जो आपके कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, 13 से 15 सवाल ऐसे होंगे ऑन एन एवरेज जो डुएबल होंगे लेकिन मॉडरेट लेवल रखते होंगे, और फिर कुछ होगी जिसकी टफ की गेम होगी। इन्हीं सारी चीज़ों को दिमाग में रख के वी हैव क्राफ्टेड दिस पेपर। ओके, सो व्हाट डू आई हैव, ए डॉट सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अच्छा, एक तो भैया मुझे ये दे रखा है, लेकिन इसके लिए सी नहीं है, तो या तो मैं सी को एज्यूम करूं, बट आई वॉन्ट टू सरपास दैट सिचुएशन। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले इसको यूज करने की कोशिश करती हूँ, राइट। आई हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज टू रूट टू, तो ऑब्वियसली मैं इसको स्क्वायर कर देने वाली हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू ए डॉट सी इज इक्वल टू एट। अभी ए डॉट सी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी ही है, ठीक है।
ठीक है, तो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी. एंड हाउ अबाउट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये आप देख लो, दिस इज टू स्क्वायर, दिस इज टू स्क्वायर, सो 8 + 1 = 9, तो यहाँ पे 9 मैं लिखने वाली हूँ. सो व्हाट विल आई गेट पीपल, आई थिंक दिख गया है सबको, इसको इधर लेके आओ, प्लस 1 इज 0, दैट्स इट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस 1 होल स्क्वायर इज 0, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो 1 मिल चुका है. दिस बिट इज क्लियर, आगे बढ़ो. मैंने एक तरीके से इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया. अब वो आपको कह रहा है एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी इज 30 degrees, ये क्या होगा भैया? आपसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आउट ऑफ सिलेबस सवाल बिल्कुल नहीं पूछा, आप दो दो करके एक तरीके से देख रहे हो. आप इसको एक काम करो, आप ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मानो, ठीक है, इसको एक वेक्टर मानो, तो ये क्या हो जाएगा? इफ आई हैव टू यूज दिस बच्चा, सो इट विल बी एज पर योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसीलिए तो दिया था ताकि तुम यूज करो. ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 है, साइन 30 degrees हाफ है, बस आपने इसको वर्कआउट करना है, राइट. काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया है, ब्यूटिफुल. तो ए क्रॉस बी पहले फटाफट से यहाँ निकाल लेती हूँ मैं. दिस इज 2 1 - 2, दिस इज 1 1 0. सो इफ आई एक्सपैंड आई एम गेटिंग आई कैप के साथ 2 i कैप, ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है जे कैप के साथ ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 j कैप, एंड के कैप के साथ हमें क्या मिल रहा है 2 - 1, दैट्स इट, इतना ही. तो इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो मैं व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 4 4 1, ठीक है, तो 3 आ गया ना, तो 3/2 बन गया, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ यू वर से. बढ़िया सवाल, स्टैंडर्ड सवाल भाई, कुछ सवाल तो ऐसे मिलने चाहिए ना जिसमें दिल गार्डन गार्डन हो जाए. चलिए, दिस इज डन, सॉर्टेड, ऑप्शन ए, ब्यूटिफुल. ओके, इसको देखो जरा ध्यान से. स्टेटमेंट 1 गिवन है, इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन दिस लाइन इज ए बी सी, देन ए प्लस बी प्लस सी इज 8. आई हैव टू चेक वेदर ट्रू और फॉल्स, एंड फिर स्टेटमेंट 2 अकॉर्डिंगली उस पर बाद में जाएंगे. आई थिंक दैट इज ऑल्सो टॉकिंग ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. अच्छा, तो दोनों ही एक्चुअली एक साथ सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ग्रेट. सो वेरी टिपिकल सवाल, वी आर गिवन 1 पॉइंट, ठीक है, ए के लाइन दे रखी है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट, एंड वो इमेज दे रखी है, तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को क्यू बुला लेते हैं, एंड दिस आर इज एक्चुअली द इमेज ए बी सी. तो बॉस आपको पता है इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, कि आप यार इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करके जनरल पॉइंट लिख दो, तो क्यू का जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, इट विल बी लैम्डा, इट विल बी 2 λ + 1, इट विल बी 3 λ + 2, राइट है. अब आपको भी पता है कि ये पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो डी आर्स ऑफ पी क्यू निकाल लेते हैं हम. कैसे निकालते हैं डी आर्स ऑफ पी क्यू, λ - 1, 2 λ + 1 - 6, सो 2 λ - 5, 3 λ + 2 - 3, सो 3 λ - 1. ओके, एंड लाइन, लाइन के डीआर्स क्या है भैया, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 1 2 3 है. ऑलवेज रिमेंबर लाइन हैज टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, नहीं है तो करो पहले कन्वर्ट. अच्छा, तो फाइनली व्हाट विल आई गेट, इसके अकॉर्डिंगली डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, सो 1 into λ - 1 प्लस 2 into 2 λ - 5 प्लस 3 into 3 λ - 1 इक्वल टू 0. और सुन लो, हेलो, ये पेपर की ना जरा कम से कम जो मेरे साथ कर रहे हो सॉल्व, या नहीं एक दो शीट के फोटो खींच के मुझे टेलीग्राम पे शेयर करना, ग्रुप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं भी देख रही हूँ मेहनत कर रहे हो कि नहीं. चलिए, सो व्हाट इज लैम्डा कमिंग आउट टू बी, लैम्डा दिस इज 4 λ, दिस इज 9 λ, सो 13 λ तो इधर ही आ रहा है,
दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस टेन, सो माइनस इलेवन हो गया, माइनस इलेवन एंड माइनस थ्री, ये चौदह हो रहा है, क्यों? माइनस वन, माइनस टेन, माइनस इलेवन, माइनस इलेवन, माइनस थ्री, माइनस फोर्टीन, तो फिर ये भी फोर्टीन आना चाहिए ना, मतलब ऐसा, हाँ फोर्टीन ही तो है, अरे यार फोर्टीन लैम्डा माइनस फोर्टीन इज जीरो आ रहा है ना, फोर्टीन लैम्डा इज टर्निंग आउट टू बी फोर्टीन, सो लैम्डा वन आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो वन आते ही क्यू पॉइंट जो आपका एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इट विल टर्न आउट टू बी वन, थ्री एंड फाइव। सो लेट्स चेक दिस, इसने दे रखा है वन थ्री माइनस फाइव, तो भैया स्टेटमेंट टू तो फॉल्स हो गई। स्टेटमेंट टू जैसे ही फॉल्स हो गई, ये भी गया, सो माई आंसर हैज टू बी ए आर डी में से, ए आर डी में से, ठीक है। अच्छा चलिए, ये आ गया। अब फाइनली मेरा इसको क्या, मैं कैसे निकालूं? आपको पता है ना, इट इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। सो मतलब मेरे पास पी जो है वो 163 है, राइट, एंड नाउ आई हैव गॉट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एज 135, राइट, एंड ये जो इमेज दे रखी है ये ए बी सी दे रखी है, सो देन यू नो वॉट यू आर गोइंग टू डू, 1 प्लस ए बाई टू इज 1, तो ए तुम लोग का 1 है, ठीक है, 6 प्लस बी बाई टू इज 3, तो क्या आ जाएगा, b, b इज 0, इज इट, हाँ बिल्कुल 0 है, एंड लाइकवाइज फॉर लास्ट, c प्लस 3 बाई टू इज 5, सो c क्या आ जा रहा है, 7। सो व्हेन इट सेज a प्लस बी प्लस सी, इट इज ऑब्वियसली 8, एंड यहाँ पे भी 8 ही दे रखा है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। कोई प्रॉब्लम फटाफट से देख लो, डन डना डन, राइट, हाँ ये भी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल था, वेरी गुड। चलिए अब थोड़े आगे सवाल देखते हैं, ऑल राइट, चलो टेक अ मोमेंट, देखो इसको आराम से, एंड पीडीएफ कम से कम 2000 लाइक्स पे शेयर करूंगी, तो फटाफट से एक काम कर दो। ओके, सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग सैटिस्फाइंग वाई एट वन इज जीरो, कौन सा वाला ट्रू होने वाला है? तो सबसे पहले तो देख लो, इसको देख के एकदम से लीनियर वाली फील आ रही है ना, लीनियर वाली फील आ रही है, लेकिन लीनियर भी इतना सीधा तो लग नहीं रहा, क्योंकि कहीं टैन इन्वॉल्व है, कहीं ये इन्वॉल्व है, तो मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। ओके, तो सोचिंग सोचिंग व्हाट डू आई डू, एक चीज देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, आप भी यही करोगे ना, कि एक्स क्यूब से इसको मुक्त करोगे, तो आप बोलोगे 4 बाय एक्स, अरे प्लस था बीच में, 4 बाय एक्स टैन वाई के साथ स्टार्ट करोगे, इज इक्वल टू ई रेस टू पर एक्स एक्स क्यूब सेकेंड वाई, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि ये तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ही हो गया है, ये उलझ गया है जिया अभी भी, तो मैं क्या करूँ, दैट मीन्स मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। वट आई कैन ट्राई डूइंग इज, मैंने कहा यार ऐसा है, ये सीकेंड वाई है, जैसे 1 बाय कॉस वाई लिख सकती हूँ मैं, तो कॉस वाई को सारी जगह एक बार मल्टीप्लाई करो, कॉस वाई इंटू एक्स क्यूब डी एक्स बाय डी वाई, प्लस यहाँ पे कॉस वाई से आपने मल्टीप्लाई किया तो 4x² कॉस वाई टैन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ई रेस टू पर एक्स। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूँ, ये साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाएगा, तो सिर्फ साइन वाई बच जाएगा, एंड यहाँ पे आके मुझे फीलिंग हुई कि यार मैं तो लिबरेट हो गई बिल्कुल ही, मुझे कोई वेरिएबल सेपरेबल चेक नहीं करना, मुझे कोई होमोजीनियस चेक नहीं करना, आई डोंट हैव टू फॉल इनटू लीनियर डिफरेंशियल और इवन बर्नौली, ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। आप देखो जरा ध्यान से देखना है ना, मैंने अगर बोला डेरिवेटिव ऑफ दिस इज एक्स क्यूब इंटू साइन वाई, देखो एम आई राइट और एम आई राइट इन सेइंग दिस, डेरिवेटिव एक्स क्यूब का आप करोगे तो 3x² इंटू साइन वाई आएगा, जो एक मिनट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 होना चाहिए ना, सॉरी माय बैड, तो फिर यहाँ पर भी कुछ तो होना चाहिए टू एडजस्ट, एक्स रेस टू पावर 4 साइन वाई आ रहा है, एक बार देख लेती हूँ यार, ये बनकर आएगा अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ 4x³ साइन वाई, एंड यहाँ पे अगर एक्स रेस टू पावर 4 एज इट इज रहे
तो इसका मतलब मुझे एक्स की ज़रूरत होगी, तब ये पूरा डेरिवेटिव होगा. तो अभी ये पूरा डेरिवेटिव नहीं हुआ, बट आई वॉन्ट टू मेक दिस. तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक्स के साथ खुद से मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड. दिस इज द गेम चेंजर. डायरेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन दिस इज द गेम चेंजर. ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 कॉस वाई डी एक्स डी वाई प्लस 4x क्यूब साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स. दैट्स इट गाइज. यही बनाने की कोशिश कर रहे थे ना हम कहीं ना कहीं, एक्स रेज टू पावर 4 साइन वाई. अब बनी ना बात, देखो दिस इज एक्स रेज टू पावर 4 कॉस वाई या फिर 4x क्यूब इंटू साइन वाई. परफेक्ट. अब आप ये काम कर लो, इंटीग्रेट कर दो जरा दोनों साइड्स को. सो ये तो भैया इतना ही आ जाएगा. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म. तो बड़ा हाई चांस है कि किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसा जरूर पूछा जाने वाला है. एंड दिस विल बी, यार ये तो बाय पार्ट्स के साथ आपको इसका आंसर रटा हुआ ही होगा, एक्स इंटू ई रेस टू पार एक्स माइनस एक्स प्लस सी. नाउ आई बीन गिवन अ कंडीशन, है ना, तो ऑब्वियसली मैं इसको यूज कर लेती हूँ. इफ माई एक्स इज 1 माई वाई इज 0, सो वट डू आई गेट. तो ये 0 हो गया, ये दिस विल बी एक्स इज 1, तो ई रेस टू पार 0, तो ये 1 हो जाएगा माइनस 0 प्लस सी. माई सी टर्न्स आउट टू बी 1 माइनस 1. एक बारी चेक कर लो, एक्स रेस टू पार ई एक्स प्लस सी, ठीक है. एंड यहाँ पे मैंने क्या कह दिया है आपको कि x को 1 पुट कर लो. अरे x को 1 पुट किया तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, एक मिनट बच्चा, x इंटू ई रेस टू पर एक्स माइनस ई रेस टू पर एक्स था ये. छी छी छी, जल्दी का काम शैतान का, डोंट बी अ शैतान. हाँ ई रेस टू पर एक्स है तो ये माइनस, अरे ये तो आपस में ही कट गए हैं, 0 ही आ जाएगा ये तो फिर. तो c इज 0, हाँ ये ई रेस टू पर एक्स है एग्जैक्टली. सो वट विल आई गेट, दैट मीन्स देयरफॉर माई आंसर इज एक्स रेस टू पर 4 साइन वाई इक्वल टू ई रेस टू पर एक्स इंटू एक्स माइनस 1. अब ढूंढिए जरा कहाँ है ये आंसर, साइन वाई के साथ ही होने वाला है. सो इफ आई डिवाइड दिस, है ना, इफ आई डिवाइड दिस तो किसके साथ मिल रहा है साइन वाई, बी ऑप्शन. हाँ सी इज 0, सी इज 0, मिल गया सबको. आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड हियर. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि ये dy बाई डी एक्स होना चाहिए. नहीं बेटा, आप डिफ्रेंशिएट y के विद रिस्पेक्ट ही कर रहे हो, एंड दैट इज why जब आपने x रेस टू पर 4 को किया तो आपके पास 4x क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी वाई इधर आना चाहिए. एंड अकॉर्डिंगली हाँ आई थिंक आप मॉडिफाई कर सकते हो उस चीज़ को. यस यस, आई थिंक सो वी कैन मॉडिफाई दिस. हाँ ये dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा. यू आर राइट, यू आर राइट. इसको या तो आप री राइटिंग एक्स रेस टू पर 4, हाँ यू आर राइट, ये डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मेट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर इसके साथ डी एक्स बाई डी वाई आना चाहिए था. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं. थोड़े से बोनस क्वेश्चंस का भी मजा लेना चाहिए ना हमें. चलो ठीक है, बाकी सब सही है. यस यस, एब्सोल्युटली राइट. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. ऑल राइट, लुक एट दैट, लुक एट दिस. इफ अल्फा बीटा इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल टचिंग दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, मतलब वो दोनों सर्कल्स को टच कर रहा है, ऐसा एक सर्कल क्रिएट कर रहे हो, देन द रिमाइंडर ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय बीटा. ओ माय गॉड, देख रहा है विनोद, सर्कल और बायनोमियल थ्योरम का मिक्सचर बना दिया यहाँ पे, सर्कल एंड बायनोमियल का मिक्सचर बना दिया. तो आओ अब हल्का सा ना विजुअलाइज करना. मैंने कहा जी मेरे को एक सर्कल चाहिए जो कुछ ऐसा हो कि वो दो सर्कल्स के बीच का सैंडविच हो, दो सर्कल्स को टच कर रहा हो,
टच कर रहा हो माइंड यू, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, तो कुछ ऐसी पोजिशन आएगी, सेंटर वन, सर्कल वन, सर्कल टू, एंड ये है अपना हीरो। तो फर्स्ट वाले का सेंटर क्या है? तो फर्स्ट वाले का सेंटर इज ऑब्वियसली यू कैन सी 0.2। मुझे पता है ये अक्रॉस वाई एक्सिस होगा, ये सिर्फ वैसे ही दिखाने के लिए बनाया है, ठीक है। सेकेंड वाले का क्या आ रहा है? दिस विल बी 4.9। एक चीज ऑब्वियस नहीं है, जस्ट लेट मी नो, 0.1 आ रहा है, यस 0.1 आ रहा है, क्योंकि इट इज ऑलवेज माइनस जी माइनस एफ। हाँ, सो फर्स्ट वाले का आ रहा है 0.1, दूसरे वाले का आ रहा है 4.9। ओके, अब एक चीज ऑब्वियस नहीं है, इफ अ सर्कल इज टचिंग बोथ ऑफ देम, तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूं तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो इसका, ये जो इस लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट है, वही एक्चुअली सर्कल का सेंटर है। इफ यू कैन जस्ट विजुअलाइज दिस, दैट इज ऑल व्हाट वी नीड, ठीक है। फोर सही, सो आई विल से मैं इसको सी ही बुला देती हूँ। मैंने कहा सी इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, तो आप क्या लिखोगे? 0.4/2, 1+9/2। तो सेंटर तो जी आ चुका है अपना 2.5। आर वी वेरी क्लियर विद दिस बच्चों? 2.5 आ गया। अब ये सवाल तो इसका साथ बस यहीं तक था। आई एम एक्चुअली वेंचरिंग इन टू अनदर पॉपुलर टाइप, जो कि ये है। मैंने कहा अल्फा, अब उसने कहा था अल्फा बीटा, तो अल्फा 2 है, बीटा 5 है, राइट। सो हमने कहा यार अल्फा प्लस 1 3^2022 इज डिवाइडेड बाय बीटा, ये पता लगाओ, ठीक है। पास आओ ना, पास लाओ ना ट्रिक यूज करने वाले हैं आपकी रिमाइंडर थ्योरम की। आपको ये सारी ट्रिक्स ढूंढनी है तो 22 ट्रिक्स एंड हैक्स करके एक सेशन था, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट जो कहता है जेई मेंस, क्या जेई मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस, उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, व्हाट डू आई गेट? मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 3^1011/5। 9 है, उसको 5 से क्लोजेस्ट, एक तो 5+4 कर सकती हूँ, पर मैंने बुद्धि लगाई, मैंने कहा यार 9 को 10-1 भी तो लिख सकती हूँ। बस यही खेल गया सवाल, क्योंकि ये खत्म हो गया, एंड -1^1011 था तो -1 आ गया आंसर, बट आपको +5 करके रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव हो नहीं सकता। दैट्स इट, क्वेश्चन ही खत्म है, और कुछ था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन ही खत्म है, था ही नहीं कुछ और। यार जब वो स्मॉलेस्ट सेंटर कह रहा है, स्मॉलेस्ट सर्कल कह रहा है टचिंग बोथ द सर्कल्स, इट विल ऑलवेज बी अलाइंड इन अ वे कि वो उसके मिड पॉइंट पर ही आता है, इट्स अ रिजल्ट, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस सवाल को पहले देख लेते हैं। इफ लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज 4 units, अच्छा तो मुझे कुछ भी दे नहीं रखा कि किस तरह का एलिप्स है, तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल अज्यूम कर लेती हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो मैंने कहा 2b² = 4 units एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड इट्स नियरेस्ट वर्टेक्स ऑन द मेजर एक्सिस इज दिस। सो इफ आई जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस, है ना, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2b² मैंने कहा कि ये जो इसका नियरेस्ट फोकस है, और मान लो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो होता है वो आप क्या लेते हो, a, 0, राइट। ये क्या आ गया, ae, 0। सो आई हैव बीन इन अ वे टोल्ड दैट ae - a = 3/2, ये दो चीजें दे रखी है मुझे इसेंट्रिसिटी के लिए कैलकुलेट करना है, राइट।
सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. अच्छा, और मुझे ये भी पता है कि यार बी स्क्वायर को फॉर एन एलिप्स विच इज हॉरिजॉन्टल आई कैन इवन राइट इट एज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. ए यार जीरो तो हो नहीं सकता, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ. एंड आई नाउ आई वुड वॉन्ट कि मैं सब कुछ ही ई के टर्म्स में ले जाऊँ, क्योंकि मुझे ई निकालना है. तो मैं बोल देती हूँ ए इज 2 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर. इसको देखते हैं, यहाँ पे अब ये चीज़ दे रखी है. सो लेट मी डू वन थिंग, मैं होल स्क्वायर ले लेती हूँ. ए ई माइनस ए होल स्क्वायर, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस मॉड थिंग. ए कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी ई माइनस वन होल स्क्वायर इज 9/4. नाउ वॉट आई डू इज ए को रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो 4 अपॉन दिस विल बी 1 माइनस ई स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये टेक्निकली 1 माइनस ई होना चाहिए ना, क्योंकि इलिप्स है भाई, इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है. तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, वैसे भी होल स्क्वायर में है तो इतना फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है, पर इससे हुआ क्या, दिस इज गिविंग मी वॉट, ये 1 माइनस ई होगा, ये 1 माइनस ई 1 प्लस ई होगा. ठीक है, तो मैं इसको सारा कुछ लिखती हूँ, दिस विल बी 1 माइनस ई होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या रहने वाला है, 1 माइनस ई 1 प्लस ई, एंड ये होल स्क्वायर है इज 9/16. तो ये यार 1 माइनस ई होल स्क्वायर तो पूरा कट गया, तो मेरे पास बच क्या गया, मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, तो ई प्लस 1 होल स्क्वायर इज 16/9. तो ई प्लस 1 इज 4/3. टेक्निकली 4 प्लस माइनस 4/3 होना चाहिए, लेकिन एसेंट्रिसिटी आपकी लेस देन 1 बट मोर देन 0 होती है. तो आई विल ओनली टेक द पॉजिटिव केस बच्चा. दिस इज टर्निंग आउट टू बी ई इज 1/3, एंड दिस इज द आंसर. डन, काफी बच्चों ने आई थिंक इसको निकाल लिया है. चलो अगले सवाल पे जाते हैं. ओके, लेट एम, ठीक है, इसको ठीक से लिख लेती हूँ. ओके, लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन इसका जवाब क्या होगा. लेट एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन वॉट इज दिस एंटायर एक्सप्रेशन इक्वल टू. अब यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे. ठीक है जी, कैसे करें. मैं इसे क्या करने वाली हूं, एक एक करके लेने वाली हूं ताकि चीजें बेटर विजुअलाइज हों. ठीक है, सो के को इफ आई टेक 1, इट्स अ क्वेश्चन सोचवाएगा आपको. ठीक है, के इक्वल टू 1 अगर मैं ले लूँ तो दिस विल बी 1 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3. ठीक है, कहाँ तक जा रहे हैं हम, 1/m तक. ओके, के इक्वल टू 2 अगर लूँ तो इट इज 2 टाइम्स 1/2 1/3 अप टिल 1/m. ठीक है, लाइकवाइज के को 3 लिया, एक पैटर्न दिखना आपको, धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा 3. फिर यहाँ पे तो शुरुआत ही 1/3 से हो रही है, 1/4 एंड टक टक टक. तो लास्ट वाला जो हो जाने वाला है वो तो सीधा ही सिर्फ 1/m होगा. आप चाहे तो एक बीच में और लिख के देख लो, m माइनस 1 भी लिख के देख लो, अदरवाइज आपको पता है. देखो, m माइनस 1 लिखोगे तो यहाँ ये यह आएगा, तो यानी आप बोल दोगे एक m माइनस 1 आएगा और अगला 1/m होगा. इतना लिखने की जरूरत सिर्फ समझाने के लिए है. ओके, नाउ इफ आई लुक एट इट, अब मैं इसका एक एक करके ऐड करूं, इनको ऐड करूं, तो ऑब्वियसली मैं लाइक टर्म्स को ऐड करूंगी. तो पहले 1 के साथ ऐड करते हैं, क्या क्या मिलेगा हमें, है ना. तो 1 के साथ क्या क्या आएगा, ये 1 दे रहा है. ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, ये 1/2 की टर्म समझ लो. यहां पर करते करते एक और यहां पर 1 आ रहा है. ठीक है, एम और एम भी हमको 1 दे के जा रहा है. ठीक बात है, सो फार आर वी क्लियर विद दिस, कि अगर मैं सबको 1 ऐड करना स्टार्ट कर दूं, यस और नो. कई बच्चों ने आंसर इसका ऑलरेडी दे दिया है. अच्छा, सही है,
तो अगर मैं 1 को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर देखो आपके पास बनते बनते बिकॉज दिस इज ऑल्सो डन, यहाँ पे 1 ले लिया मैंने. हाफ अगर मैं लूँ कॉमन, हाफ अगर मैं लूँ कॉलम कॉमन, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, करते करते 1 आया, यहाँ से 2 आया, अब बस यहाँ पे और कोई टर्म ही नहीं बची. मैं 1/3 कॉमन ले लूँ तो 1/3 के साथ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है और कोई टर्म नहीं बची. सो ऑन सो फोर्थ. मैं अब आप सोचे होगे मैंने इसको 1 क्यों लिया. नहीं मैम, ये तो 1 और 1 2 हो रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मैं 1/m को अलग ले रही हूँ, 1/m को मैं अलग ले रही हूँ इसलिए. ठीक है, तो यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, दिस इज गोइंग अप टिल m. ठीक बात, वी आर सॉर्टेड सो फार, येस और नो, दिस इज व्हाट आई हैव. अब मैं इसकी एक जनरल टर्म लिख लेती हूँ. फिर मैंने कहा ऐसा है जी, फिर एक जनरल टर्म लिख डालते हैं इसकी. ठीक है, व्हाट डू आई हैव, मैं इसकी जनरल टर्म को लिखूँ तो आई विल से, कैसे लिखूँ मैं इसे. देखो ये 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/2, तो 1/k लिख लेते हैं पहले. और अंदर कभी 1 है, कभी 1+2 है, कभी 1+3 है, तो मुझे भी वहीं तक जाना होगा जहां मंजिल लेके जाएगी. तो मैं k लिख लेती हूँ, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से m. अब जरा बिठा के देखो, k को 1 डाला तो ये 1 एंड ये 1 पर ही आप रोक दोगे. k को 2 डाला तो 1/2, ये 1 ये 2, 2 पर ही रोक दोगे. ये नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली है, दिस इज माई जनरल टर्म. थोड़ा सा सोच रहे हैं हम इसको. अच्छा, अब आगे गई मैं, इसको आगे अगर करना शुरू किया, व्हाट विल दिस बी. ऑब्वियसली आप बोलोगे यार ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट. नहीं हाँ मैम, k इंटू k प्लस 1/2, सो दीज आर गेटिंग कैंसल्ड. दिस इज सिंपली सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से m k प्लस 1. सो व्हाट एम आई गेटिंग, सिग्मा k इक्वल टू 1 से m, तो ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 1/2 प्लस 1, यानी ये m आ जाएगा. सो यू जस्ट हैव टू ओपन दिस अप, सिंप्लीफाई एंड गेट टू द आंसर. क्या आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ. लेट मी सी ओवर हियर, इसको आप ओपन करो, 1/4 देखो एलसीएम में आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m, एम स्क्वायर प्लस ये इसके साथ प्लस 3m/4, एम स्क्वायर प्लस 3m/4, बी इज द आंसर. आर वी डन विद दिस बच्चों, फटाफट से बताओ मुझे, इज दिस क्वेश्चन वेरी वेरी क्लियर. यस, आर वी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस बच्चों. या ऑल राइट, सुपर. सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो हो चुका है ना, हाँ ये हो चुका है. ओके, यहां पे क्या कह रहा है, इफ द मीन डिविएशन ऑफ दीज पर्टिकुलर नंबर्स 1, 1+d, सो ऑन अप टिल 1+100d, तो आप टिपिकली देखो तो ये 101 टर्म्स हैं, क्योंकि यहां पे होगा 1+d, फिर नेक्स्ट होगा 1+2d, 1+100d तक जा रहे हो, तो 100 टर्म्स तो यही हो गई, और ये एक अकेला, तो 101 टर्म्स हैं. फ्रॉम देयर मीन इज 255, ठीक है, देन d इज इक्वल टू क्या. तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं. मी आपके ले देखे स्टैटिस्टिक्स से क्या पूछते हैं, आपसे स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरियंस है ना, मीन या फिर मीन डिविएशन, नॉर्मली यही पूछ रहे हैं बार बार. तो मीन डिविएशन अबाउट द मीन जो है उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, एक्स आई माइनस दिस मीन, ठीक है, होल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज व्हाट आई हैव. चलिए अब एक एक करके लेते हैं. नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको पता ही है, 101 है. सबसे पहले आई हैव टू गेट द मीन, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर वैल्यूज पर मीन करने के लिए पहले करते हैं, मीन यही निकाल लेती हूँ. आई विल बी एडिंग ऑल ऑफ देम, 1+1+d, 1+2d है ना, करते कराते 1+100d अपॉन 101 टर्म्स. सो आपको पता है दिस 1 इज गेटिंग एडेड, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, 101 टाइम्स, प्लस डी के साथ आई एम गेटिंग 1+2 टिल 100, राइट, अपॉन 101. तो जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके क्या आ जाने वाला है, जल्दी से बता दो इसको सॉल्व करके क्या आने वाला है मेरे पास.
मैं एक काम कर सकती हूँ, सीधा सीधा मैं इसको तो जैसे अलग ही करके रख लेती हूँ ना, इसका तो और कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आई कैन से 101 और d को कॉमन ले लेते हैं। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, सो 50 है ना इनटू 51 बाय 2, एंड कॉमन डिफरेंस भी आपको एक तरीके से दिख ही रहा है ना, 1d, 2d, 3d, क्या आ रहा है 1 plus 50d। अच्छा जी, सो इसको देख लेते हैं, 1 plus 50d, ऐसा क्या, एक मिनट, ये सब करने की जगह मैं इस पर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला ही लगा लूँ तो, एक मिनट यार, ये सब अगर ना करूँ मैं, वैसे तो यहाँ से भी आ जाना चाहिए, बट एनीवे मैंने कहा सबसे पहले मैं इसका सिग्मा एक्स आई कर देती हूँ, है ना, एक्स मीन के लिए आप ऑब्वियसली इसको डिवाइड बाय 101 करने वाले हो, तो हमने कहा ये इट्स एन एपी विद 101 टर्म, सो 101 बाय 2, ठीक है, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सीधा ही ऐसे कर देती हूँ, क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ फालतू की, एंड ये अपॉन 101 है, ठीक है, तो बस ये तो आ गया फिर 1 plus 50d, बहुत डायरेक्टली राइट, मीन इज देयर, अभी मीन डिविएशन करो, मीन डिविएशन अबाउट मीन क्या जाने वाला है, तो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, सो आई एम गोइंग टू से एक्स आई माइनस वन माइनस 1 plus 50d, नेक्स्ट इज 1 plus d माइनस 1 plus 50d, नेक्स्ट इज 1, मतलब आप करते करते आप ऐसा भी कर सकते हो ना, 1 प्लस चलो एक और लिख देती हूँ, 2d माइनस 1 plus 50d। अभी मैं एंड तक जाने से पहले एक सेकेंड टर्म भी लिख देती, सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख देती हूँ ताकि पैटर्न रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, 1 plus 99d माइनस 1 plus 50d, एंड फाइनली द लास्ट वन 1 plus 100d माइनस 1 plus 50d राइट, तो ये क्या आ रहा है, दिस इज 50d, दिस विल बी 1 कट गया तुम्हारा 49d, यहाँ पे क्या आ रहा है 48d, एंड यहाँ पे फिर देखो 99 माइनस 50 49d है ना, एंड यहाँ पे 50d, तो यानी होगा क्या, आपके पास पूरी 101 टर्म्स हैं, है ना, एक तरीके से चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, करेक्ट, चीज़ें आपकी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, इनफैक्ट आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, मतलब यहाँ भी दो बार, यहाँ भी दो बार, यहाँ भी दो बार, तो आप क्या कह सकोगे, ट्वाइस ऑफ, ये हर एक टर्म का ट्वाइस हो जाने वाला है, आई एम गोइंग टू राइट इट एक ही बार, आई कैन से इट इज़ गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ, मैं 1, 2, 3 till 50 कर देती हूँ, क्योंकि सारे ही आपके रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे ना, सारे ही आपके रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो बस ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो ये आ रहा है आपके पास 50 इंटू 51, बट रुको ज़रा, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग, पर मुझे पूरा अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो अपॉन n भी है, ठीक है, सो मीन डिविएशन अबाउट वो, अभी मैंने सिर्फ इसका न्यूमरेटर लिया था, अब मैं कह सकती हूँ यार मीन डिविएशन अबाउट मीन फाइनली 50 इंटू 51 बाय 101 है, विच इज़ बाय द वे गिवन टू बी 255, ठीक है, डी को हम खा गए थे, वापस लिख देते हैं, डी को क्यों खाया था पता नहीं, वापस लिख देते हैं, ओके, तो यहाँ पे आप देखो 50 और इसके साथ, अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई, बच्चे मल्टीप्लाई क्या करोगे, हाँ कर तो दिया, कर तो दिया, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो 50 इंटू 51, ठीक है, मॉड डी एंड नीचे 101 है, यहाँ पे 255 है, तो बस इसकी सॉल्विंग करो, ये भी आई एम श्योर ये 255 ही दे रहा होगा, हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फील, यस ऑब्वियसली ये दोनों कट रहे हैं, एक 10 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 10 mod d इज इक्वल टू 101, तो आपको ये दिख रहा है कि मॉड डी जो है वो 101.0, तो आई थिंक अगर आप डी की बात करोगे तो सीधा सीधा यहाँ से क्या मिल जाएगी, 10.1 मिल जाएगी, ए इज द आंसर, राइट, ए इज द आंसर, क्या ये चीजें क्लियर है, ऑल राइट, सो फार हाउ हैज इट बीन, आई थिंक एक और सवाल सॉरी रह गया है, हाँ हाँ एक और रह गया, मुझे भी लगा शायद हो गए हैं एमसीक्यू टाइप, बट एक और रहता है,
Let chord of contact is drawn from every point lying on the circle to the ellipse. तो chord of contact जो है circle से ellipse तक आपका draw हो रहा है, ठीक है. Same ही उससे, मतलब मैं इस circle पे कोई भी एक point ले लूँ, ठीक है, and यहाँ पे आपका कोई भी ellipse ले लूँ, तो chord of contact is drawn from any point lying on the circle. तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाने वाला है, ठीक है. Such that all the lines touch the standard ellipse whose eccentricity is kya. So, फटाफट से आ जाओ, इस सवाल को देख लेते हैं. यानी कोई भी यहाँ से भी मैं यहाँ तक करूँगी, जो ये बनाऊँगी एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, मतलब मैंने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बना दी, बट समझो. सो मैं क्या कह रही हूँ, देयर इज अ सर्कल, देयर इज एन एलिप्स. तो एक पॉइंट मैंने लिया इस प्रकार से, है ना, सर्कल पे एक पॉइंट लिया इस प्रकार से कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ रही है तुम्हारी, तो मैं कहीं भी ले लूँ, मैं इसको यहाँ ले लूँ, ये जो है दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द इलिप्स, राइट. उसने ये थोड़ी ना कहा है कि सर्कल के बाहर से आएगी या सर्कल के अंदर से आएगी. चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भी ले लो, ठीक है, अगर आप यहाँ से भी ले लो, लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर, पॉइंट इतना दूर नहीं लेते, लो काहे को काटे हम, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, कहीं से भी बना सकती हूँ, बट काटते हुए नहीं आते, ऐसे बना लेते हैं. सच दैट ऑल द लाइन्स टच द स्टैंडर्ड एलिप्स, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी. मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको किसी भी पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख देने वाली हूँ, इस पॉइंट पी को. तो मैंने लिख दिया, मैंने कहा यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स स्क्वायर है, तो सिक्स कॉस थीटा सिक्स साइन थीटा, ऐसे लिख दिया हमने. Now, how do I write the chord of contact in this particular thing? Equation of chord of contact for ellipse क्या हो जाएगी? Equation of CO. अब ये मत कहना out of syllabus है, chord of contact आपसे भर भर के पूछ रहे हैं, ठीक है. तो x x1, right? By this plus y y1 by this by 9 is equal to 1. तो ये इसने किस चीज़ का शेप ले लिया, इसका क्या फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ, यानी x cos थीटा by a, आपको याद होगा, प्लस y sin थीटा by b इज इक्वल टू 1. दिस इज लाइक द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना, वही तो बन जाती है ये फाइनली. तो इससे मुझे ये चीज़ पता चल गई कि मेरा a 4 है, पर इसको मैं मतलब तमीज़ से लिखने वाली हूँ ढंग से, तो पर यहाँ से a मेरा 4 आ रहा है, b मेरा 9 आ रहा है. अब मुझे करना क्या है, इट टचेस दिस पर्टिकुलर, अब ये तो जो एक्चुअली आपका जो दे रखा है इलिप्स, इट्स नॉट एक्चुअली अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इट्स अ वर्टिकल इलिप्स, देख रहे हो ना, दिख ही रहा है ये चीज़ तो, है ना. तो यहाँ पे मैं कैसे लिखने वाली हूँ इसको, इनफैक्ट मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, इट शुड बी एक्स कॉस थीटा. तो ये अभी मुझे एक्चुअली आई स्पोक टू सून, इसको आप इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कैसे, एक्स इंटू कॉस थीटा एंड ये आ जाएगा 4/6 प्लस वाई इंटू साइन थीटा ये आ जाएगा 9/6, ठीक है, इज इक्वल टू 1, राइट. दिस इज व्हाट आई हैव. एंड फाइनली इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि आपकी वर्टिकल एलिप्स है, यू गोइंग टू राइट इट दिस वे, ए स्क्वायर विल बी 4/6, या फिर मैं कह सकती हूँ 2/3 होल स्क्वायर. बी स्क्वायर विल बी क्या, यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे तो 3/2 इंटू 1 - e², ठीक है जी. तो क्या आ गई इसेंट्रिसिटी, यहाँ से इसेंट्रिसिटी तुम्हारी क्या आ जाने वाली है. अगर तुम 6/6 में ही रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, ताकि आपको चीज़ें आसानी से दिखती रहें, तो आप 4/6 एंड 9/6 भी लिख सकते हो. मतलब एक्चुअली डिवाइड करोगे तो जल्दी हो जाएगा ये, बिकॉज यू विल बी लेफ्ट विथ 4 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर ओनली. तो इसेंट्रिसिटी आपकी 1 - 16/81 पे आ जाएगी. तो ये तो 65 होता है, बड़ा स्टैंडर्ड थिंग है, नेगेटिव हो नहीं सकती, तो √65/9, दिस इज द आंसर. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वी कैन डायरेक्टली फाइंड द इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द एलिप्स इक्वेशन. नहीं नहीं, उसने कहा लेट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल टू दिस एलिप्स सच दैट ऑल द लाइंस टच अ स्टैंडर्ड एलिप्स. ये एक न्यू एलिप्स बना है जिसका टेंजेंट ये है, दिस इज अ न्यू एलिप्स, ये सेम इक्वेशन नहीं है. वही तो मैंने गलती से पहले ए एंड बी लिख दिया था, वही तो नहीं करना.
न्यू इलिप्स बना रहा है वो स्टैंडर्ड इलिप्स जिसकी टेंजेंट ये है, तो यहाँ से मुझे नए ए और नए बी मिले हैं। क्या ये चीज़ समझ में आई? इट्स नॉट द सेम, ठीक है, नॉट द सेम, गॉट इट? एंड प्लीज इस सवाल को आउट ऑफ सिलेबस मत ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके जनवरी शिफ्ट में भी आए हैं। ऑल राइट, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चन यहां से करने वाले हैं अब हम। आर वी रेडी फॉर इट? लेट्स गो। ऑल राइट, चलिए जी इस सवाल को देख लेते हैं। व्हाट ऑल इज गिवन टू मी, टेक अ मोमेंट टू सी दिस। एक मिनट, या लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ दिस एंटायर थिंग इज ऑफ द फॉर्म ए रेज टू पावर बी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? हाउ डू आई डू दिस? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो मुझे ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा है वो 6 है, अल्फा बीटा जो है दैट इज 12। सो फार आई ओनली नो दिस और कुछ नहीं आता। अच्छा, अब इसकी वैल्यू डालनी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक को दूसरे के फॉर्म में लिख दूँ, है ना, ऑलवेज अ लाइफ सेवर। तो यहाँ से इफ आई सी माई बीटा इज द सेम एज 6 माइनस अल्फा, मैं लिख सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ यार बीटा माइनस 6 इज द सेम एज माइनस अल्फा। एंड यहाँ से माई बीटा इज, यहाँ से मैं कैसे लिख सकती हूँ, या तो मैं बीटा को लिख दूँ या मैं अल्फा को लिख लूँ। तो मैं इन दोनों को अगर एक्चुअली देखूं ध्यान से, व्हाट एम आई गेटिंग? आई एम गेटिंग बीटा माइनस 6 इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस 12 बाय बीटा। अब आप सोच रहे होंगे नेहा मैम ये क्या कीड़ा है, ये क्यों सोचा आपने? क्योंकि यहाँ बीटा माइनस 6 लिखा हुआ है। मैं अल्फा में भी कंस्ट्रक्ट कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अल्फा माइनस 2 डायरेक्टली नहीं मिल रहा, पर बीटा माइनस 6 डायरेक्टली दिख रहा है, समझ रहे हो? तो यानी मैंने बीटा माइनस 6 होल स्क्वायर को, सॉरी होल रेज टू पावर 12 को अपॉन अल्फा रेज टू पावर 12 को, हाउ डू आई डू? बीटा माइनस 6 इज द सेम एज माइनस 12 बाय बीटा रेज टू पावर 12, एंड दिस इज अल्फा रेज टू पावर 12। सो दिस विल बिकम 12 रेज टू पावर 12 इंटू अल्फा बीटा रेज टू पावर 12। अभी देखो अल्फा बीटा 12 ही है, तो दिस इज लिटरली सेइंग दिस। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी टर्म जो है मैंने 1 बना दी है, ये दिस पर्टिकुलर, ये पूरी टर्म जो है आपकी 1 बन चुकी है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट डू आई हैव? इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए? आई कैन राइट इट एज अल्फा माइनस 2, लेट्स से आई कैन पुट इट एज रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4। 12 को मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया, एंड यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हुआ ये आपका प्लस 1 था एंड यहाँ पे माइनस 1 था, सो बोथ दीज टर्म्स आर गॉन। आई ओनली हैव टू फोकस ऑन दिस विच इज़ अमेजिंग, मेरा समय बचा रहे हो आप, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ज़रा खोल दे, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 अल्फा इंटू माइनस 2 स्क्वायर, तो ये 4 बन जाने वाला है, माइनस 8 होल रेज टू पावर 4, ठीक है। ओके, इफ आई टेक अल्फा कॉमन, थोड़ा सा सोच रही हूँ मैं इसे, दिस इज अल्फा स्क्वायर, ये माइनस 6 अल्फा स्क्वायर है, माइनस 6 अल्फा बन जाएगा, एंड ये प्लस 12, अरे सही, देखा रे, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 12 इज ऑल्सो 0, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ 0, राइट? सिंस अल्फा इज अ रूट, खत्म। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 8 होल रेज टू पावर 4, ठीक है, यानी कि मैं 8 रेज टू पावर 4 लिख सकती हूँ। अब उसने कहा इट इज ऑफ द फॉर्म ए रेज टू पावर बी, तो मेरे को हो सकता था मैं बोलती आंसर मिल गया, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, इट सेज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, सो आई एम श्योर 8 रेज टू पावर 4 और भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है, कैसे कैसे? देखो एक तो मेरे को 8 रेज टू पावर 4 के लिए, इफ आई पुट दिस एज 2, ठीक है, तो 2 क्यूब, सो दिस कैन बी रिटन एज, क्या हुआ? लाइट वेट नहीं कर रही आपकी आंसर। अच्छा, नाराज है क्या?
सर वो कह रहे हैं हमको पीडीएफ नहीं चाहिए, हमको कुछ आगे बढ़िया सेशन नहीं चाहिए, तो हम लाइक करके क्या ही करेंगे, है ना। ये 2 raised to power 12 बन गया। मुझे देखना है कि यार a प्लस बी मिनिमम वैल्यू कब दे रहा है। यहाँ पे एक तो a raised to power b ऐसा फॉर्मेट है ही आपका, तो यहाँ पे a प्लस बी 14 आ रहा है, यहाँ पे a प्लस बी 12 आ रहा है। क्या कोई और भी चीज़ है जिसकी तरह मैं इसको लिख सकती हूँ? इज ए एनी अदर वे इन विच आई कैन राइट? मेरे को a प्लस बी लीस्ट चाहिए। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा और मैंने सोचा और मैंने कहा यार ये 4 raised to power 6 भी हम क्या लिख सकते हैं, क्या देखो क्या ऐसा हो सकता है? 4 raised to power 6 विच इज नथिंग बट द सेम एज सेइंग, आप देखो ना 2 square 2 raised to power 12 ही है एक तरीके से, लेकिन यहां से क्या हो रहा है कि a प्लस बी मेरा 10 आ रहा है। क्या इससे कम भी हम जा सकते हैं? क्या कोई और कॉम्बिनेशन ऐसा ऐसा तिकड़म लग रहा है क्या तुम्हारा कि कुछ और कर लूं मैं और छोटा हो जाए? देखो यार इसको 2 cube लिखोगे तो वो 8 raised to power 4 बनेगा, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसको, और ये लोएस्ट फॉर्म है ना, इसीलिए मैं इसी के साथ खेल रही हूँ और कुछ नहीं आएगा। सो दैट मीन्स द लीस्ट वैल्यू इज 10। बहुत सारे बच्चे दिमाग में हो सकता है सोच रहे हो और यहाँ से जंप मार के सीधा 12 आंसर दे दें, वो गलत हो जाएगा, तो प्लीज ये गलती मत करना। सवाल में क्लियरली मिनिमम वैल्यू दिया है। हाउ इज द क्वेश्चन? ठीक है, डन। आपको कैसे पता चला क्यूब कैसे लेना है, कहां पे क्यूब कैसे लेना है? ये दिस वन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन आप क्या लोगे, आप मुझे बताओ 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हो 2 and 6 के साथ, 3 and 4 के साथ, राइट? तो जो आपको कंड्यूसिबल लग रहा है आप उससे स्टार्ट करो। नॉर्मली एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्यूब के साथ चीजें बेटर बैठती हैं। आप कोई और कॉम्बिनेशन लेके देख लो। -8 and 4 इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ये इवन नंबर है ना। -8 whole raised to power 4 करोगे सिर्फ 8 raised to power 4 ही बच जाएगा। चलिए तो मैंने सबसे पहले z को देखा, √3/2 माइनस iota/2। मुझे ये पता है कि अगर ये सिचुएशन है तो मेरा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकल के आता है वो आपका ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आते हैं, तो आप यही कंस्ट्रक्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ऑब्वियसली √3/2 में आपको चाहिए, सो यू कैन टेक योर आयोटा कॉमन, यू विल बी लेफ्ट विद -0.5 iota। एंड यहाँ पे अगर आप √3/2 आयोटा खाली लिखते हो तो आयोटा स्क्वायर बना के -1 दे देता है, पर आपको +1 चाहिए, सो वी राइट इट दिस वे। सो ये आपका बन के -0.5 - √3/2 iota ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, राइट? ओके, नाउ आई मूव अहेड और मैंने कहा यार z raised to power 95 है, तो व्हाट वी डू इज iota raised to power 95 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड वी आर रेजिंग इट टू द पावर 95 जो मुझे 190 दे देगा। आई विल नाउ रिमेंबर कि मेरा ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, iota raised to power 4 हमेशा 1 होता है, राइट? यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से अगर मैं करूँ इसको तो आपको दिख ही रहा है 4 into 2 8, एंड यहाँ पे 4 3 12, तो आयोटा क्यूब बच रहा है, एंड यहाँ पे ओमेगा क्यूब के हिसाब से करूँ 3 6 18, 3 3 9, एंड यहाँ पे ओमेगा बच रहा है। सो आयोटा ये 1 हो गया, आयोटा क्यूब जो होगा आपका माइनस आयोटा हो जाएगा, एंड ये 1 हो गया तो ओमेगा बच जाएगा। ओके, iota raised to power 67, तो इसमें तो हम सीधा ही अगर 3 के हिसाब से देखेंगे तो यार ये आपका 6 and 3 2s are 6 करके 66 और एक आयोटा बच रहा है, सो दिस इज़ गिविंग मी, अरे यार 4 में करेंगे ना, एक तो ओमेगा और क्यूब, आयोटा ने खिचड़ी बना दी दिमाग में। कोई बात नहीं, 4 into 1 4, सो ये कितना आ रहा है यार जल्दी बताओ, आयोटा क्यूब बच रहा है ना, आयोटा क्यूब बचेगा ना, क्योंकि 4 6 24, हाँ 64 एंड आयोटा क्यूब, तो ये माइनस आयोटा बच जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्टेप वाइज इन्हें ऐड किया, z raised to power 95 प्लस iota raised to power 67, विच इज गोइंग टू बी, इनको ऐड कर दो, माइनस आयोटा को कॉमन ले लो, आई विल बी गेटिंग ओमेगा प्लस 1।
ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो ओमेगा प्लस 1 ये आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आयोटा ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है? यस। फाइनली इसको मैंने रेज टू पावर 94 कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा, एंड मैं z रेज टू पावर n, तो मैं z रेज टू पावर n से भी यहीं से इक्वेट कर देती हूँ कि देख लेते हैं यार कहाँ तक जा रहे हैं हम। आयोटा ओमेगा स्क्वायर z रेज टू पावर n, तो ऐसी ऐसी वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो अब डायरेक्टली अगर कंपेयर आई थिंक हम मार लें तब भी यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, यही आई थिंक बच्चे शुरुआत में बोल भी रहे थे। अच्छा, बट हमें निकालना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए n को हम ये नहीं ले सकते। आई कांट टेक n टू बी 94 बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो मुझे थोड़ी मेहनत ये ज़्यादा कराएगा। ओके, सो व्हाट डू आई डू नाउ? सो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी नाउ, मतलब मैं फिर इसको सॉल्व ही कर लूँ बेटर है। आयोटा ओमेगा स्क्वायर एंड ब्ला 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 करके 6 आया था, 10, सबके अलग अलग क्यों आंसर आ रहे हैं? ओके, आयोटा रेज टू पावर 94 एंड ओमेगा ये क्या आ रहा है, 8 एंड दिस इज 188, ठीक है। तो दिस विल बी आयोटा रेज टू पावर 4 करके आप क्या करोगे, 4 3 12, तो आयोटा स्क्वायर बच जाने वाला है। एंड यहाँ पे भी आपको पता है 8 8 16 एंड 17 एक बचेगा ना, तो ये दिस टाइम यू आर गोइंग टू राइट दिस एज ओमेगा 3 6 18 3 2 6 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ही रहने वाला है। तो प्रिटी मच द सेम थिंग, आयोटा रेज टू पावर n एंड यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 2n आ जाएगा। ओके, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की उसने बात की है, तो यानी ओमेगा रेज टू पावर यानी 2n-2 n-1 को मैंने आयोटा रेज टू पावर n अगर लिख दूँ मैं, तो अब आप एक एक करके इसका कंपैरिजन करोगे, है ना। अब आपको एक एक करके इसका कंपैरिजन फिर करना पड़ेगा कि ये कब दोनों के दोनों बराबर होंगे। So if I take that means I want a situation जब ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। याद रखना कि ये जो है ओमेगा क्यूब 1 होता है, आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है। सो बेसिस दैट कंपेरिजन आप निकाल के देख लेना, n इक्वल टू 10 विल बी द रिक्वायर्ड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मतलब आप जब दोनों को निकाल के देखोगे यू विल रीच दिस आंसर, येस इट इज़ अ के टी क्यू फॉर श्योर। तो भैया देखना हाथ जल ना जाए, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ जाते हैं। यहाँ तो शायद आपने एंड में लिए केटीक्यूज, बट पेपर में तो शुरू में भी आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं सर, एंड में नहीं लिए, हमने कई सवाल ऐसे शुरुआत में ही करे जिनकी कैलकुलेशंस बहुत लंबी थी। एंड ऐसा हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो आपने लास्ट उसमें किया है वो शुरुआत में ही हो, तो घबराना नहीं। अगर आपको लग रहा है आप नहीं उसको करना चाहते फर्स्ट राउंड में, उसको छोड़ दो, ठीक है। सेकंड राउंड पे और तब भी लगे नहीं कर रहा तो बिल्कुल छोड़ दो, राइट। केटीक्यू मतलब खोपड़ी तोड़ क्वेश्चन। चलिए, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दे रखा है, व्हाट इज एफ ऑफ 9 इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है एंड आई हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई एंड सी कि मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकती हूँ। तो भैया एफ ऑफ एक्स लाने का तो एक तरीका है, इसका डेरिवेटिव ले लो आप शुरुआत में, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेबनिट्स, जिसको आप याद कर रहे थे, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स, जो कि 1 हो जाने वाला है। दिस इज वॉट आई गेट, ठीक है। चलिए, तो दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, आई वॉन्ट टू फाइनली रीच द आंसर जहाँ पे ये चीज़ हो। अब एक पर्टिकुलर केस मुझे दे रखा है कि जब एक्स 2 होता तो क्या होता, इफ एक्स इज इक्वल टू 2। सो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या आंसर मुझे मिल रहा होता, दैट हैज बीन गिवन टू मी। लेकिन उससे पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव, एफ डैश एक्स एंड ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस एफ डैश एक्स को वाई ले लेते हैं। सो दिस सॉरी एफ एक्स को वाई ले लेते हैं, है ना।
तो आपको दिख रहा होगा फिर ये dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की दिख गई है. सॉरी. देखो जरा ध्यान से, ऐसा ही कुछ हाल बन रहा है. आप एक्चुअली इसमें यहां पे ऐसे भी कर सकते हो. रुको, वेट, ये तो यहीं से हो जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट आई हैव. दिस मींस एफ ऑफ एक्स, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, होल स्क्वायर इनटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन. इफ आई वांट टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स नाउ, तो आप खुद से देखो क्या बन गया. इट इज लाइक सेइंग वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसी का डेरिवेटिव. तो ये तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकती हूँ ना, बाय थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, राइट. तो ये काफ़ी डायरेक्ट और सिंपल हो गया है ना. अच्छा, अब अगर मैं एक्स को टू पुट कर दूँ तो क्या होगा. अब नेहा मैम टू ही क्यों पुट कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ दी हुई है अभी तक जिसको मैंने यूज नहीं किया. ओके, इफ आई पुट एक्स एज टू, सो वॉट एम आई गेटिंग. आई विल बी गेटिंग ओवर हियर एक्स को टू पुट करके एफ ऑफ टू होल क्यूब बाय थ्री इज इक्वल टू टू प्लस सी. अब मुझे कुछ दे रखा है ऐसा जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ. एफ ऑफ टू जो यहाँ से आपका आएगा होल स्क्वायर, क्या मैं इसको होल स्क्वायर करके बना के इसको सिक्स बाय थ्री लिख सकती हूँ इज इक्वल टू टू प्लस सी, विच इज क्लियरली गिविंग मी माई सी टू बी जीरो. ये चीज़ समझ में आई. आई थिंक काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे थ्री लिखना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, काफ़ी बच्चों ने इसको यूज़ करते हुए ऑलरेडी लिखना स्टार्ट कर दिया था. परफेक्ट, सो दैट्स इट. अब यहाँ पे फिर इसका मतलब एफ ऑफ नाइन मेरा, यानी एफ ऑफ एक्स होल क्यूब फाइनली बन के क्या गया. यहाँ से इफ आई सी एफ ऑफ एक्स होल क्यूब, दैट मीन्स इज टर्निंग आउट टू बी देर इज नो सी, सो इट इज थ्री एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इज एक्चुअली 3x raised to power 1 by 3. Therefore, f of 9 क्या हो जाएगा, into 9 and इसका cube root which is going to be 3, which is the answer. That's it. ठीक है, done है. तो बस इसको फिर कर लेना. यहाँ से भी आप यहाँ पे देखो, यहाँ से ये format तो पहले से ही आ गया था ना, कि 3x plus 3c जिसको आप k भी लिख सकते थे. सो यू आर प्रिटी मच यूजिंग दिस थिंग. ठीक है, चलिए. राइट, तो यहाँ पे सॉर्टेड है. अगर आप सोच रहे हो बाय चांस कि ये कैसे आया था, तो मैं फिर से बता देती हूँ वो चीज़ को कैसे यूज़ किया है. आपने x इक्वल टू टू डाला, तो ये इंटीग्रल जीरो से टू वन अपॉन एफ टी स्क्वायर डी टी बन गया, विच इज़ नथिंग बट दिस, इट इज़ गिवन. ठीक है, चलो आगे झटपट बढ़ते हैं. दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन राइट नाउ. मैं वेट कर रही हूं, मैं तभी आगे बढ़ने वाली हूं. जल्दी से ये काम किया जाए, फटाफट से बच्चों. कम ऑन माय आर्मी, लेट्स डू दिस क्विक. क्योंकि मेरे लिए, जैसे मैं बात करती हूं, ये मेरे लिए कोई फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ कि यार मैंने इस बार कितना पैसा बना लिया, कितना प्रॉफिट कमा लिया. मेरे लिए ये एक एकेडमिक ईयर है जो पेपर देने जा रहा है, जो एंड हो रहा है, कि बच्चों को फ़ायदा कितना मिला और वो मुझे कहाँ से दिखता है, आपके कमेंट्स के साथ एंड आपके लाइक्स के साथ. सो मेक श्योर यू गाइस आर डूइंग दैट. ठीक है, और एक पोल लगा है उस पर भी ज़रूर से वोट दो. चलो, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू को सीकेंट स्क्वायर थीटा फ्रॉम दिस पॉइंट इज क्या. तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट से इस लाइन का अगर डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, ये लाइन है, इसका डिस्टेंस लेना तो सबसे आसान चीज़ है. व्हाट विल बी माय डी, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला, 3 + 12 - 5 अपॉन रूट ऑफ, दिस विल बी 3² + 4². तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 15 - 5 दैट्स 10 / 5, सो दिस इज 2. अच्छा, और अगर मैं सोचूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम
दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस. तो मुझे इसका डिस्टेंस अब देखना है कैसे करूँ. मैंने कहा ऐसा है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू को सीकेंट स्क्वायर थीटा. इसको देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करें. मैंने इसे लिख दिया वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा. तो फिर आप इसको लिख दो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना. इससे क्या आ गया थ्री प्लस दिस इज टैन स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज टू कॉट स्क्वायर थीटा. मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि मैं इसको अगर कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दूँ तो क्या मुझे ए एम जी एम इस इन दोनों टर्म्स के अंदर चमक रहा है, दोनों ही पॉजिटिव है. सो आई कैन से दीज टू पर्टिकुलर टर्म्स अगर मैं ए एम जी एम लगाऊँ दो टर्म्स का टू कॉट स्क्वायर थीटा, समझ गए ना, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट. यानी ये पूरी चीज़, ठीक है, ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू रूट टू. यस, यानी कि यहाँ पे आई कैन से कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स को सीकेंट स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू. यस और नो, थ्री प्लस टू रूट टू. अच्छा, अब आप मेरे को कह रहे हो जो लीस्ट डिस्टेंस है इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये टू है. अब ऑब्वियसली ये टू से तो बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा. थ्री प्लस टू रूट टू, इसका मतलब यार या तो ये यहाँ से डिस्टेंस है, ये पॉइंट कहीं इधर है, ठीक है, या फिर ये यहाँ से डिस्टेंस है, ये पॉइंट कहीं इधर है. या तो मतलब मैं ये कह रही हूँ थ्री प्लस टू रूट टू इधर है या थ्री प्लस टू रूट टू इधर है. तो उसने कहा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन फॉर दिस टू बी पॉसिबल, सो टू पॉइंट्स आर पॉसिबल. आई होप ये चीज़ आपको हेल्पफुल लगी है. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अलग सा सवाल है ये भी, ठीक है जी, डन. आगे बढ़ूं, ऑल राइट, ओके. अब इन दो सवालों में मैंने एक चॉइस दे दी है आपको. आई विल बी डूइंग बोथ ऑफ देम वन बाय वन. इनको देखो तो एक एक करके लेते हैं आपके, ठीक है. मैंने पहले क्वेश्चन ये लिया, टू प्लेयर्स ए एंड बी, राइट, ऑल्टरनेटली कीप रोलिंग अ फेयर डाई. द पर्सन टू गेट अ सिक्स फर्स्ट विन्स द गेम. गिवन दैट प्लेयर ए स्टार्ट्स द गेम, प्रोबेबिलिटी दैट ए विन्स द गेम इज पी. तो वन अपॉन रूट पी इज इक्वल टू क्या. काफ़ी देखा देखा सवाल फील हो रहा है मुझे, काफ़ी देखा देखा सवाल. तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऐसा है, मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है, चाहे कोई भी खेल है, वन बाय सिक्स है. क्योंकि आपने यही बोला जिसका सिक्स आ गया वो जीत गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो है वो ऑब्वियसली फाइव बाय सिक्स है. नाउ इफ आई स्टार्ट विद प्लेयर ए स्टार्ट्स द गेम एंड प्लेयर ए विन्स, बेसिकली मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इसका मतलब क्या है, या तो प्लेयर ए ने शुरू किया और वो जीत गया, है ना. तो मैं ऐसे आई थिंक आई बेटर डू इट दिस वे कि भैया वो जीत गया शुरू में, या फिर ए नहीं जीता, बी नहीं जीता और फिर ए जीत गया, राइट. ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर ए नहीं जीता, फिर बी नहीं जीता और फिर ए जीत गया. सारे केसेस तो उसने कहा तो है ही नहीं कि गेम स्टॉप होगी कभी. उसने कहा बस तभी स्टॉप होगी जब somebody wins the game. So it's going to be infinite. Absolutely. और इस केस में क्या बनता है, infinite GP. सही कहा. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इट्स एन इनफाइनाइट GP जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो A है, राइट. इनफैक्ट कैसे कैसे इनफाइनाइट GP है वो, बिकॉज इसके कारण ना. देखो A is 1 by 6, मतलब वो विन कर गया है, ठीक है. यहाँ क्या होगा, ये भी 5 by 6, ये भी 5 by 6. जितने भी क्रॉस वाले हैं उनको 5 बाय 6 डाल दो, जितने भी 4 आ गया ना टिक वाले हैं उस पर 1 बाय 6 डालना, राइट. तो इनफाइनाइट जीपी आ गया जिसका फर्स्ट टर्म इज 1 बाय 6 एंड कॉमन रेशियो इज 5 बाय 6 होल स्क्वायर. ऑब्वियसली दिस कॉमन रेशियो इज बिटवीन माइनस 1 एंड 1, उसमें कोई दो राहें नहीं है, राइट. सो व्हाट डू आई गेट इवेंचुअली, प्रोबेबिलिटी दिस विल बी ए अपॉन 1 माइनस आर. So what am I getting people?
36 माइनस 25 इज ऑलवेज 11, तो 6 बाय 11 आ गया है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग पूछते तो वो 5 बाय 6 होती है ना. अच्छा, तो मेरा पी आ चुका है यार 6 बाय 11. तो यानी 1 बाय पी जो है अपना, दैट इज भैया 1 बाय रूट पी कह लो, तो इट इज भैया दिस वे, तो रूट 11 बाय 6 आ जाने वाला है. इसका भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए. क्या आएगा बच्चे? 1 आंसर कह रहे हैं, 1 आएगा, सोच लो. सोच लो, 1 आएगा. 11 को 6 से जरा डिवाइड करो, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, और उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो तुम. That's it. रूट ऑफ 1.83 जो कि 1 पॉइंट समथिंग ही आ जाने वाला है, एंड 1 इज द आंसर. ब्रिलियंट, सही. ओके, चलिए. कुछ बच्चा मैं देख रही थी फंक्शनल इक्वेशन, यहां पे देख लो भैया, फंक्शनल इक्वेशन का सवाल आ चुका है. लगाओ फिर इसमें, कैसे करोगे? टिपिकल सवाल, टिपिकल सवाल. जब भी आपका एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 1 बाय एक्स दिया जाता है, सो हाउ डू वी ऑलवेज ऑलवेज बिगिन? फटाफट से बता दो. एंड ये पीडीएफ मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको 2000 लाइक्स पे मिनिमम अवेलेबल हो जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो यहाँ पे आई ट्रांसफॉर्म एक्स टू 1 बाय एक्स, है ना, यही इसका मूल मंत्र होता है. एंड लिखना अकॉर्डिंगली, ये 1 बाय एक्स हो जाएगा तो इसको यहाँ लिख देना, ये x बन जाएगा तो इसको यहाँ लिख देना, इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 2. नाउ यू नो यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, क्या यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स, तो उसके अकॉर्डिंगली करो ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, है ना. तो जी कट कट आके ये क्या आ जाएगा, 25 एफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 10, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3 बाय एक्स प्लस 6. वो सब्ट्रैक्ट करके मुझे पता है ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 16 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4. ठीक है, तो भैया एफ ऑफ एक्स आपको मिल चुका है आपका 1 बाय 16 टाइम्स ये पूरा तामझाम. अब आगे देख लेते हैं, आगे वो क्या कह रहा है, वाई इज दिस. अच्छा, तो वाई को वो कह रहा है एक्स से मल्टीप्लाई कर दो. बहुत बढ़िया. सो एक्स से मल्टीप्लाई करके मैं थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज करके ऐसे लिख रही हूँ. अब डेरिवेटिव लेना कौन सी बड़ी बात है, है ना. अब तो डेरिवेटिव लेना कौन सी बड़ी बात है. नहीं सर, पहले ये किया, फंक्शनल इक्वेशन का सवाल था. दिस विल बी 10x प्लस 4. ठीक है, बस आप अब इंटू 8 भी कर डालो लगे हाथ, और फिर एक्स को 1 भी डाल दो. 5x प्लस 2 बनेगा, 7 आ जाएगा. एग्जैक्टली, जो बच्चे लिख भी रहे हैं. तो जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन को आपके इस तरह से रखा गया है जैसे रियल क्वेश्चन पेपर में भी रखा जाएगा, राइट. तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में ही आपको ऐसे दो चार क्वेश्चन दिख जाए तो भैया केटीक्यू यानी खोपड़ी तोड़ टाइप क्वेश्चन हो, जो राउंड 1 में लेने वाले नहीं हो. घबराना नहीं, आप देख रहे हो ना लास्ट क्वेश्चन कितना सिंपल है. एंड ऐसे बीच में कई सवाल आए, मतलब 8वें 10वें सवाल के बाद आपको एक दो सवाल ऐसे मिले जो बहुत हलवा टाइप्स थे. दैट इज हाउ द पेपर विल बी. एंड अगर आप यहाँ पे लिटरली इन चीज़ों को देखो तो वी हैड वेरी मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल, जिसके अंदर कभी सीक्वेंस एंड सीरीज भी लग रहा है, साथ यू नो किसी और चीज़ का मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का फंडा लग गया, कहीं ट्रिगो घुस गया. याद है कहीं पे आपने सेंटर निकाला तो उस सेंटर से बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन बन गया. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू इवेंचुअली गेट टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, राइट. एंड ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेपर में कोई कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया जाए या किसी चैप्टर को ही मिस हो जाए. ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, राइट. तो 30 सवाल है, लेकिन कवरेज सारे चैप्टर्स की यूजुअली आपको मिल ही जाती है. ओके, सो दैट्स इट. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया. एंड आई होप इसके साथ साथ आप सभी बच्चों ने ये ट्रैकर को डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है.
अपना ये जो फाइनल ट्रैकर है एंड यहाँ से आप अपनी पूरी रिवीजन करते जा रहे हो। यहाँ पे लैप वन के सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कम इनपुट में ज़्यादा मार्क्स बनाने वाले चैप्टर, यानी ये उस तरह के यहाँ पे चैप्टर्स दे रखे हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट में कुछ भी आपने अगर पढ़ना है, वैसे ये समय तो रिवाइज करने का है, फिर भी कुछ भी कॉन्सेप्ट में पढ़ना है तो 2.0 पे जाके नीचे टाइम स्टैम्प देख लेना वो पर्टिकुलर। अदरवाइज आई होप अगर आप सारे 2023 और 24 के PYQs को नहीं भी लगा पाए तब भी द टॉप PYQs ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स हर एक बच्चा लगा के जा रहा है। यू हैव टू इंश्योर यू आर डूइंग इट। दे हैव बीन स्पेशली गिवन इन द PDF फॉर्मेट। आप क्लिक करते हो दिस PDF तो आप चैप्टर वाइज अपनी इंश्योर करो कि प्रैक्टिस करो, आंसर की से मैच करो नीचे, नहीं होता तभी सिर्फ इसको क्लिक करके डायरेक्ट उस पर पहुंचो इसके वीडियो सॉल्यूशन पे, राइट? ओके, सो होपफुली आपको मजा आया होगा। मेक श्योर टू पुट अ कॉमेंट बिलो कि कैसा था पेपर, आपने कितने सवाल बनाए, कितने आपसे नहीं बन पाए एंड ऑल दोज थिंग्स। यू कैन शेयर योर ओन एनालिसिस बिकॉज फिर ही इस पेपर को करने का फायदा है, राइट? कल के लिए क्या स्पेशल चाहते हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिकॉज आई एम ऑलरेडी प्लानिंग समथिंग वेरी धाकड़ फॉर यू गाइज। एंड सो जितने भी बच्चे और मॉक के पेपर्स प्रैक्टिस करना चाहते हो यहाँ पे दे रखे हैं, राइट? सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम सीरीज, सो यहाँ पे दे रखे हैं, आप जाइए जाके लगाइए, एवरी थिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। तो दैट्स इट। और कुछ बच्चों को बोल दीजिए कि हमें रीच आउट करें आफ्टर द एग्जाम। एब्सोल्युटली, तो यार आप ही लोग हम लोगों को सवाल बताने वाले हो मेमोरी बेस्ड, सो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां से आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, राइट? एंड वी विल बी कनेक्टिंग। इफ यू आर रेडी, इफ यू वॉन्ट टू शेयर हाउ द पेपर वॉज, मैथ्स का कैसा रहा आपका पेपर, एंड यू नो इमीडिएटली आफ्टर द पेपर कि आप निकल कर ही विद इन 5-7 मिनट बात कर सकते हो हमसे, राइट? और प्रॉपर मतलब हमें एक अच्छा सा वो बता सकते हो, राइट? अ जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग की कैसा था पेपर, राइट? ठीक है, तो चलिए ऑन दैट नोट इट इज़ टाइम टू से बाय बाय। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मचाते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लेट मी नो कि कल के लिए क्या स्पेशल चाहते हो। चलो टेक केयर, कीप रिवाइजिंग। ऑल द रेलिवेंट सेशंस आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। एक आपके लिए पोल भी लगा हुआ है, इट इज़ लाइक अ फीडबैक फॉर अस कि यार आपको कौन सी सीरीज है जिसने सबसे ज्यादा हेल्प किया। मैम एक बार देख लीजिए पोल के रिजल्ट्स भी क्या हैं, वो भी जल्दी से 10 सेकंड में, राइट? क्योंकि आई थिंक काफी कितने 5000 बच्चों ने वोट किया है। सो यहीं पे देख लेते हैं अभी। ओके, हियर वी आर। यस, इट इज ऑलमोस्ट दिस थिंग। व्हिच सीरीज हैव यू लाइक द बेस्ट, ठीक है? एंड आप देख सकते हो PYQs हैज़ बीन द हाइएस्ट एंड उसके बाद टॉप PYQs एंड फिर जो भी चीज़ें हैं, यानी बच्चों ने ये किया है। एंड जैसा मैंने बताया, इट इज़ नॉट ओनली कि यार तुम लोग कर रहे हो जो YouTube से जुड़े हो, जैसे कल भी आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू गाइज, एक मिनट, कल भी आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू गाइज कि कई सारे बच्चे जो जो टॉप ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स का पेड कोर्सेज का भी पार्ट है, एवरीबडी, वो सब के सब यार बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मैथमेटिकली इंक्लाइंड से एंड दे हैव बीन यूजिंग ऑल दीज रिसोर्सेज बिकॉज कंटिन्यूअसली इन बच्चों से मेरी बात चलती रहती है डेली बेसिस पे ऑफ एंड ऑन, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ माई वर्क आई ट्रीटेड एज कि 2-3 बच्चे तो कम से कम जिनसे बात चलती है, राइट? मतलब नहीं नहीं मैं तो कह रही हूँ कि ऑन एन एवरेज मिनिमम इतने तो जाते ही जाते हैं, राइट? एंड द आइडिया इज आई डोंट बिलीव इन सॉल्विंग ओनली कि यार आसान आसान सवाल कर दो एंड हो जाएगा, राइट? इट हैज़ बीन अ वेरी बैलेंस्ड पेपर, मुश्किल भी थी एंड आसान भी थी एंड यही सारी चीज़ें हमने इस सारी सीरीज में भी की है। आई हैव सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट? तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारा दिल बहलाने, तुम्हें मीठे मीठे सवाल करके, तुम्हें इकट्ठा करने अपने पास नहीं आई हूँ। मैथमेटिकली इंक्लाइंड स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू विद द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हियर, ठीक है? चलिए, ऑन दैट नोट इट्स टाइम टू से बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड।